अच्छा देखो बच्चों, लास्ट लास्ट में हमने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें पढ़ ली थी। एक टॉपिक था डायरेक्शन कोसाइन वाला, मैंने वो बताया था लेकिन एग्जांपल्स नहीं करवाई थी उसकी सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए खास तौर पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को तो बाद में मैंने करवानी थी, तो ये एग्जाम्पल सेकंड ईयर में नहीं है। तो बेहतर है आप लोग अभी से कर लो, इस टाइप का सवाल भी आया तो आप लोग कर लोगे। डायरेक्शन कोसाइन का मैं आइडिया दे दूं कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट था स्पेस के अंदर, आपने उसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, एक पोजिशन वेक्टर बना लिया आपने, फिर उसका एंगल आप एक्स एक्सिस से उसको आप अल्फा बोलते हो, उसका एंगल वाई एक्सिस से उसको आप बीटा बोलते हो, उसका एंगल जेड एक्सिस से उसको आप गामा बोलते हो। तो ये तीन डायरेक्शन एंगल बनते हैं, अगर आप इनका कॉस लो तो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और एक तीसरी चीज थी डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो क्या होता है कि जिस पॉइंट को आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया था ना और जो पोजिशन वैक्टर बनाया था, उस पोजिशन वैक्टर के जो कॉर्डिनेट्स है, एक्स कॉर्डिनेट, वाई कॉर्डिनेट, जेड कॉर्डिनेट, कंपोनेंट बोल दो आप, ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो उनको आप डायरेक्शन रेशोज कहते हो। अब जरा देखो सवाल कैसे आता है। जैसे बुक में एक एग्जांपल है, लिखा हुआ फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, आपको दो पार्ट दिए हैं। पहला वाला पार्ट आपको कर सकते हो कि आपको ना एक पोजीशन वेक्टर दे दिया है, ये फर्स्ट ईयर में बाय द वे एग्जांपल है कि आपको एक पोजीशन वेक्टर दे दिया ये वाला, और आपको बोला हुआ क्या निकालो यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो बुक ने यहाँ पे फॉर्मुले अलग अलग यूज किए, आप लोग अलग अलग भी निकाल सकते हो, या मैंने दूसरा तरीका बताया था कि आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर वाला काम कर लेंगे। ये वेक्टर है, आप क्या करो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 14। मैग्नीट्यूड इसका 14 आ गया। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर है, इसको आप डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 14 आई रूट 14, 3 अपॉन रूट 14 आए और माइनस 2 अपॉन रूट 14 के। तो अब ये जो यूनिट वेक्टर आए है ना, अब आप इसको कंपेयर करोगे यूनिट वेक्टर की जनरलाइज फॉर्म। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि जो इसके कंपोनेंट है वो कोसाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो आप इसको कंपेयर करवाना इससे, तो आपके पास डायरेक्ट कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 14। इसी तरीके से कॉस बीटा क्या हो जाएगा, जो यूनिट वेक्टर में जे का कंपोनेंट है, और ये क्या हो जाएगा cos gamma minus 2 upon root 14। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते हो। एक तो तरीका मतलब सवाल आपके पास इस तरीके से आएगा कि आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको बोला होगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। आपको उन्होंने बोला है कि वेक्टर ए बी जो है ना, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो। ये पार्ट नंबर 1 है, ये पेज नंबर 102 पे है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। पार्ट नंबर 2 में ये बोला है कि आपको दिया हुआ ए बी वेक्टर, आपको आगे ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको आगे बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो मेरे जहन में ये चीज आई थी कि यार जो ए बी वेक्टर बनेगा वो पोजीशन वेक्टर तो नहीं होगा, ये तो कहीं और होगा, लेकिन इसको आप अच्छा, मैंने दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए थे, एक फ्री वेक्टर होता है, एक बाउंड वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर क्या होता है कि यार जिसको आप फ्रीली कहीं भी लेके जा सकते हो। एक बाउंड वेक्टर क्या होता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आपने यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो ये किस्म का बाउंड वेक्टर है कि आपने जो वेक्टर बनाना है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पे खत्म होगा। लेकिन जब आप डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो ना, तो इस बाउंड वेक्टर को उठा के आपको फ्री वेक्टर बनाना पड़ेगा इसका। लाइक कंसीडर कर लो कि एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट बी ये है, आप इसको ज्वाइन करोगे आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको इसका फ्री वेक्टर बनाना पड़ेगा, है तो ये बाउंड वेक्टर, इसका फ्री वेक्टर बनाओगे कैसे, कंसीडर कर लो कि यहां पे ये है, तो आप इसको उठा के यहां पे ले आओगे। मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन वही, जब आप इसका फ्री वेक्टर बनाओगे अब उसके बाद आप यहां पे डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जो इसके पहले कोऑर्डिनेट से अभी भी वही कोऑर्डिनेट, वेक्टर का फर्क नहीं पड़ेगा जब आप इसका वेक्टर निकालोगे ना। इस तरीके से वेक्टर निकालने का तरीका क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो फाइनल क्या है इसका, b 0.5 minus 1 4 minus 7 minus 3 minus 10 0 minus 2 minus 2। तो जब आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे ना, ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ना, इसको आप फ्री वेक्टर कंसीडर कर सकते हो, इसको आप कहीं भी ले जाओ, आप इस वेक्टर को यहां भी लेके जा सकते हो, आप इसको नीचे ले जाओ, आप इसको इधर ले जाओ, कहीं भी लेके जा सकते हो। तो आप इसको एज अ पोजिशन वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हो ना। कैसे, क्या बोलोगे यार ये रिकॉर्डेड पॉइंट है ये वाला, जिसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो हकीकत में ये वेक्टर था, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए आप इसको क्या किया, इसका पोजिशन वेक्टर बना लिया। अब इसका जो फाइनल पॉइंट है ना, वो आप ये कंसीडर कर लो, और जो ओरिजिनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो 0.0 है, तो वेक्टर आपके पास ये आ रहा होगा। तो कान उल्टे तरीके से पकड़ के आपने आए उसी चीज पे हो कि आपको एक पोजीशन वेक्टर मिल गया, और जैसे आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाए उसके बाद अब आपने क्या करना है, वही प्रोसेस होगा कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। जैसे इसका यूनिट वेक्टर आएगा आप ये वाला काम करोगे और आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो दो तरीके से आपके पास सवाल आ सकता है।
सही है, कोई मसला है यहाँ तक? हाँ बोलो। अच्छा ना, हाँ सही, जो आपने वेक्टर निकाला, क्या कह रहे हो? तो जो आपने वेक्टर निकाला आखिरी में, आपका फोर आयोटा के ऊपर डैश डाला है, कुछ और है? नहीं, आयोटा का डैश नहीं है भाई, ये पहले तो आयोटा ना बोलो इसको, एटलीस्ट ये कॉमा ऊपर लगाया आयोटा के, मुझे भी आयोटा बुलवा रहे। आई के ऊपर आप कैप लगा सकते हो इस तरीके से, अगर आपने प्रॉपर नोटेशन फॉलो करनी है, खाली भी ऐसे लिख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहो तो कैप लगा सकते हो, लेकिन वो डैश डैश तो वो तो ऊपर थी। तो ये एक डायरेक्शन को साइंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थी, मैं उनका करवा दूं आप लोगों को फायदा हो जाएगा। सेकंड ईयर में तो एग्जाम्पल बुक में नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, लेकिन अच्छे सेकंड ईयर वाले भी सीखते हैं जब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक था, क्या कहते हैं, वर्क डन वाला। तो पहले तो मैंने वर्क डन पे इतनी थोड़ी रिसर्च नहीं की थी, मैंने थोड़ी रिसर्च की ना तो मुझे एग्जाम्पल भी थोड़ी अच्छी मिल गई थी, और एक दो और पॉइंट थे मैंने कहा बता दूं, और वो जो टॉपिक है वो आज की क्लास से रिलेटेड है जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो उसका मतलब वर्क डन वाला दोबारा थोड़ा देख लेते हैं हल्का फुल्का। बेसिक बातें तो आप लोगों ने पढ़ी थी वर्क डन से रिलेटेड, के एग्जाम्पल्स में ढूंढ के आया था, मेरे जहन में आया था नेगेटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, तो वो देखिए, बाकी कुछ और भी हम देख लेते हैं। कि बेसिक सी बात जो आप लोगों को पता है, जो हमने लास्ट क्लास पर डिस्कस की थी, पहले उस पर आ जाते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो है वर्क। सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में सवाल आया था कि यार वर्क जो है वो आपने दो फॉर्मूले देखे, अगर किसी को जवाब पता है तो वो दे सकते हैं। एक आपने फिजिक्स में देखा था सिंपल, ये वाला फॉर्मूला, इसमें कोई डॉट कुछ नहीं था, आपको बोला जाता था कि फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर, मल्टीप्लाई करो वर्क आ जाएगा, और एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा। तो सवाल ये है कि इन फॉर्मुलों की लॉजिक क्या है। अब ये नहीं बोला गया सवाल में अगर फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ तो हम ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, ये हम नहीं, मुझे बताना, मुझे लॉजिक बताओ कि ये फॉर्मुला हम यूज क्यों करते हैं और ये वाला फॉर्मुला कब यूज करेंगे। एनी आइडिया? जब एंगल गिवन होगा तो सेकंड वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, जब फोर्स है वो किसी एंगल के ऊपर लगाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो रही होगी, तब हम दूसरा वाला फॉर्मुला यूज करेंगे। सर फॉर एग्जांपल इंक्लाइंड प्लेन के लिए ना? जी जी, ऐसा हो सकता है, सर पुश करें ना सर एट एन एंगल। हाँ बिल्कुल सही जवाब है कि भाई देखो फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है ना, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, अगर मैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो उसका मतलब इसका एक ही कंपोनेंट होगा। अब जो भी डायरेक्शन है, इसकी एक्स की डायरेक्शन है, वाई की डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन है, इसका भी एक ही कंपोनेंट होगा, क्योंकि बाकी कंपोनेंट जीरो होंगे, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, किसी और एंगल पे नहीं लग रहे, सिंपल लैंग्वेज में जैसे बच्चों ने बताया कि अगर जीरो एंगल ले लो तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन अगर आपकी फोर्स किसी डायरेक्शन पे लग रही है तो उसका मतलब अब इस फोर्स के अंदर दो कंपोनेंट होंगे और इसकी भी जो भी डायरेक्शन होगी, तो अब आपको यूज करना पड़ेगा वेक्टर का फॉर्मूला जब इनके दरमियान एंगल इन्वॉल्व है। या सिंपल लैंग्वेज में जैसे एफ डी कॉस थीटा होता है, उसमें अगर थीटा आप जीरो कर दो तो कॉस वाली चीज बन हो जाएगी। तो सवाल में जब आपको जस्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट न्यूटन या मीटर में दिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। वो अब जो भी उनकी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे, कोई मसले आपके नहीं होंगे। एक तो ये वाली बात। दूसरी बात, इधर इस पे आ जाओ, एफ डॉट। अच्छा, वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क की डेफिनेशन थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि वर्क सिंपल ये होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं फॉर एग्जाम्पल इस एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस वाली चीज को ऊपर भी लिख सकते हो सीधा। तो अब अगर आप देखो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक एंगल पे लगती है। तो वर्क होता क्या है? वर्क की डेफिनेशन ये है कि आपने फोर्स ना जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लग रही है, अब देखो फोर्स की दो डायरेक्शन हो गया, एक तो डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन है जो कि आपको मेन चाहिए यहां पे, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन क्या है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रही है उसको मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट से। मतलब ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ना वर्क का, ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है दो चीजों को। सबसे पहली चीज क्या है? फोर्स, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि देखो फोर्स तो एक एंगल पे लग रही है, लेकिन इसका वो कंपोनेंट जो डी के डायरेक्शन में, वो आपको चाहिए। डी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आपको चाहिए, ठीक है, और आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे डिस्प्लेसमेंट से, जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया हो, ठीक। तो ये वर्क का बेसिक फॉर्मूला है कि जो डिस्प्लेसमेंट उसका कंपोनेंट है ना फोर्स का, उसके मैग्नीट्यूड को आपने मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से। अब सवाल ये कि ये फॉर्मूला आपको मजीद अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ना ये सिंपल होगा एफ कॉस थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आप यूज करोगे यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है। आपने अगर ये कंपोनेंट जो है ना पूरा फोर्स का, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ये फोर्स का कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो कैसे निकालोगे? सिंपल आप कॉस थीटा यहाँ पे यूज करो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस। इस बेस को फिलहाल कोई नाम नहीं देते, डब्बा कह देते हैं हम, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड।
जिसको खाली आप एफ भी लिख सकते हो। फिर डब्बा किसके बराबर हो जाएगा, एफ को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है क्या है, एफ कॉस थीटा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वो है एफ कॉस थीटा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो एफ कॉस थीटा को आपने मल्टीप्लाई करना है डी से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, जिसको आप यूनिट में कैसे लिखते हो, एफ डॉट डी, इस तरीके से। तो ये वर्क की छोटी सी डेरिवेशन थी जो कि आगे टॉपिक्स में काफी रिलेटेड है। जो आगे मैं बातें बताने लगा हूं ना, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये काफी रिलेटेड है। दैट्स व्हाई दोबारा आपने देख लिया कि वर्क का फॉर्मूला सिंपल क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आपने निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर दी थी। अब एग्जाम्पल्स मैंने कुछ देखी थी। सबसे पहली आपकी एग्जाम्पल तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रहा था कि एक स्टूडेंट ने भी एग्जाम्पल दी थी, अच्छी एग्जाम्पल थी, कि ऐसा कब हो सकता है कि आपका वर्क नेगेटिव हो। तो सिंपल लैंग्वेज में बच्चे बोलते हैं कि सर अगर आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव होता है। तो इसकी एग्जाम्पल इस सेंस में आपको मिलेगी कि किसी भी बॉडी के ऊपर ना डिफरेंट फोर्सेस लग रही होती है। जो वर्क होता है ना वो कोई भी फोर्स वर्क करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है इसकी कि आपके पास एक बॉल है, आपने उस बॉल को ऊपर फेंकना है। तो अब उस बॉल पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स तो अपवर्ड है जो आपने उसको फोर्स लगा के उसको ऊपर भेजा, और एक फोर्स होगी डाउन, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी। तो यहाँ पे दो फोर्स है। तो जो अपवर्ड वाली फोर्स है ना वो तो पॉजिटिव वर्क करेगी, क्यों, क्योंकि उसकी फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो अपवर्ड वाली फोर्स है वो जो वर्क करेगी वो पॉजिटिव वर्क की एग्जाम्पल है। लेकिन जो वहां फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो उसको नीचे खींच रही होगी, तभी एक वक्त आके बॉल नीचे आने लग जाएगी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना जो उस पर वर्क कर रही होगी वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी जबकि डिस्प्लेसमेंट उसकी फिलहाल तो ऊपर ही जा रही होगी ना, एक वक्त के बाद वो नीचे आएगी, शुरू शुरू में तो ऊपर ही जा रही होगी ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहां पे नेगेटिव वर्क कर रही है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उन्होंने मुझे मिली थी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल थी फ्रिक्शन की, कि अगर आप फ्लोर पे चल रहे होते हो और आप मूव कर रहे होते हो अपवर्ड, लेकिन फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ खींच रही होती है तभी आप चल रहे हो। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप फिसल के नीचे गिर जाते हो पूरा। ये मेरे साथ ऐसा मिसहैप हुआ है ना, मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया नहीं बताया कि वॉशरूम जब मैंने बनवाया ना तो उसकी टाइलें जो है वो पता नहीं काफी, ये समझ लो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम था। तो एक दिन हल्का सा ये समझ लो कंडीशनर बात किया था यार बाल खूबसूरत करने के लिए, तो वो स्लिपरी हो रहा था और मैं गिर गया। दो दफा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उसका नुकसान ये हुआ जो मैं अभी तक भुगत रहा हूँ कि आपकी जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन के बिल्कुल एंड पे बिल्कुल छोटी सी बोन होती है जिसको टेल बोन आप कहते हो, वो मेरी खिसक गई है। तो उसकी वजह से मुझे बैठने में बड़ा इशू होता है, उसके लिए कुशन यूज कर रहा हूँ। बाइक में बड़ा इशू था तो बाइक की जो गद्दी है वो कटवा दी है मैंने, तो काफी मतलब खुआरी हुई है उसकी वजह से। तो जो फ्रिक्शन है ना ये थी नहीं उस वक्त और मैं स्लिप हो गया था पूरा। तो कहने का मतलब अगर आप अपवर्ड जा रहे हो फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ लग रही है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना वो क्या कर रही है, वो नेगेटिव वर्क कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में बोला गया। तो ये भी एक नेगेटिव वर्क की मुझे थी। तो नेगेटिव की तो मैंने आपको दे दी है। फिर एक होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क तो आपको हजारों मिल जाएंगे कि आपने फोर्स लगाई है, डिस्प्लेसमेंट भी सामने जा रही है, उसकी एग्जांपल तो आप बहुत देख सकते हो। एक और एग्जांपल दी कि जीरो वर्क कब होगा, मतलब जीरो वर्क कब है। तो दो पॉसिबिलिटी है, जीरो कब होगा, रेस्ट और एक यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा, जब रेस्ट होगा तब ना, मुझे समझ नहीं आया। जब रेस्ट होगा, बोलो बोलो जो भी मजा आ रहे हो। 90 डिग्री भी होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ ये कंडीशन नहीं है। लेकिन ये परपेंडिकुलर किस सिचुएशन में होता है ये मुझे बताओ, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ कि जिसमें परपेंडिकुलर है। कोई चीज रख के और फिर चले, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। सर फॉर एग्जांपल कोई बुक है, वो अगर हम सर पे रखें और फिर चलें तो फिर वो परपेंडिकुलर हाँ, होगा। ये अच्छी एग्जांपल है, मैं इसी से रिलेटेड डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज, वर्क डन हमेशा परपेंडिकुलर पे जीरो नहीं होता। वर्क डन जीरो आपका उस वक्त भी होगा जब आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। बहुत बेसिक सा केस है कि आप फॉर एग्जाम्पल अलमारी है, अलमारी बहुत भारी होती है, अगर आप इस पर फोर्स लगा लो मूव नहीं कर रही होती अलमारी, तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो जीरो वर्क डन कर रही है। आपका वर्क डन उस वक्त होगा जब या तो फोर्स आप लगा रहे हो और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ना हो इसका मतलब आपका जीरो वर्क डन है, या अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे तो आपका वर्क डन जीरो है। तो पहली सिचुएशन तो ये होती है कि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो आपका वर्क डन जीरो है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप फोर्स भी लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी है लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो है, वो उस वक्त होगा जब 90 डिग्री है। मतलब इसकी बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल मुझे मिली थी, जो स्टूडेंट ने बताई है कि जो रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो कुली जो होता है वो सामान जो है वो सर पर उठा के जा रहा होता है। तो अब
उसकी जो फोर्स लग, अब उसमें देखो डिफरेंट फोर्स है, जब वो आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसके सामने हो रही है, तो एक फोर्स तो होगी जो उसको आगे लेके जाने वाली, जैसे अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ना जो मुझे आगे लेके जा रही है, तो वो वाली फोर्स जो है वो तो पॉजिटिव वर्क ही करेगी क्योंकि वो वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है। लेकिन एक और फोर्स है जो वो लगा रहे हैं जो अपवर्ड है, वो जो उसने सर पे रखा हुआ है, अब अगर छोड़ देगा तो वो तो नीचे आ जाएगा ना सर, जब भारी चीजें तो आपको उसमें अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ती है, तो वो जो अपवर्ड वाली फोर्स है ना वो वहां पे जीरो वर्क डन करती है क्योंकि ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, डिस्टेंस सामने की तरफ ट्रेवल हो रहा है, तो उस फोर्स का कोई फायदा नहीं है इन द सेंस कि वर्क डन वो कुछ नहीं कर रही, वो बेचारी फोर्स लगा तो रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही कुछ, तो जो अपवर्ड वाली फोर्स है वो वहां पे जीरो वर्क डन कर रही है, लेकिन वो वाली फोर्स जो आप सामने की तरफ लगा रहे हो तो वो तो पॉजिटिव वर्क कर रही होगी, वो डिपेंड करेगा क्या पूरी उसकी सिचुएशन है। तो ये मुझे थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन की एग्जांपल मिली थी, नहीं तो फिर टॉपिक कंप्लीट है, कुछ सवाल है तो पूछ लो। इसके अंदर करके चैप्टर में फिजिक्स भी डाला हुआ है, फिजिक्स की तो है वेक्टर नहीं, वेक्टर है फिजिक्स का टॉपिक लेकिन मैथ के अंदर बड़ा इन्वॉल्व है। अभी एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर ग्रुप में भेजा था और मैंने आप लोग को सेकंड ईयर ग्रुप में भी भेजा था, मतलब मैं बैच वन के अंदर भेजा है, जो क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर की बुक होने वाली है ना उसके अंदर चैप्टर्स निकाल के देखो, आप लोगों को उसमें से हाफ चैप्टर आते होंगे, बड़ा मुश्किल कोर्स होने वाला है वो, उसमें से कितने ऐसे टॉपिक है जिनको मुझे रिवाइज करना है, लेकिन मुझे मसला इसलिए होगा क्योंकि मैं अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ, मसला उन टीचर्स को होगा जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं 40-50 साल की ना, तो वो ही पढ़ा रहे हैं, उनको मसला होगा जब वो नई चीजें सीखने लगेंगे ना तो उनके कॉन्सेप्ट काफी वीक हो चुके होंगे उस वक्त तक, मुझे सुनी होगा मैं तो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह आ जाएगा, तो बड़ी मुश्किल उनका आने वाला सीन, मुझे लगता नहीं कि ये सिंध बोर्ड वाले ये करेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर का उन्होंने एग्जैक्ट यही किया तो उसका मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेकंड ईयर का भी वो एग्जैक्ट यही करेंगे। तो उसमें एक टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन का, जो आपके पूरा कोर्स होता है वेक्टर कैलकुलस, तो जब वेक्टर्स नहीं पढ़ोगे तो कैलकुलस कैसे आएगी वेक्टर की, तो ये बड़ा इजी काम है कि यार वेक्टर्स और फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स मैथ जुड़े हुए हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स के बगैर मैथ नहीं है, मैथ के बगैर फिजिक्स नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल फिनोमेना है उसको मैथ के जरिए एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और किसी मैथमेटिकल इक्वेशन फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बहुत दफा बताया कि जो मेरा थीसिस है मास्टर्स का, जो मैथमेटिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट फिजिकल फिनोमेना को कर रही है, फ्लूइड फ्लो, दुनिया में जो भी आपके फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, एयर हो, वाटर हो, ऑयल हो, पानी कुछ भी हो, तो फिजिक्स और मैथ तो जुड़े हैं भाई। हाँ, टॉपिक हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाओ, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो। सिंपल चीज जो लास्ट क्लास में भी स्टूडेंट ने बताई थी कि भाई डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट उसको आप बोलते हो कि वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना कि रिजल्ट में आपको कोई नंबर मिले, तो आप उसको बोलोगे डॉट प्रोडक्ट है, या आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना कि रिजल्ट में आपको वेक्टर ही मिले, उस मल्टीप्लीकेशन को आप बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट या आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, जरा मजीद पढ़ लेते हैं इस बारे में। किसी को जरा फॉर्मूला पता है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर ए बी साइन थीटा होता है। हां, ए बी साइन थीटा। देखो यहां तक तो सबको पता है, एक और चीज वो पहले स्टूडेंट ने हाईलाइट किया, इसके बाद क्या होता है? इसमें यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। ये बहुत कम स्टूडेंट को पता है, मैं तभी चेक करना चाह रहा था, उसने बेचारी ने शुरू में गलती कर दी, पॉज बोल दिया, लेकिन ये बात नॉर्मली कम बच्चों को पता है। तो बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, क्यों डाला हुआ है इसमें यहाँ पे? ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज जाती है। नहीं, ये तो आप क्यों बता रही हो ना, ये है क्यों, इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कोई है? चलो आप लोग मकसद नहीं बता रहे, आप लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। ये डॉट प्रोडक्ट में क्यों होता, सिंपल सवाल है सर, क्योंकि तो स्केलर है ना ये वेक्टर, इसलिए। हां, ये वेक्टर इसमें डायरेक्शन होगी मे बी। इसी किस्म का टॉपिक है कि जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो ना तो आपको जो तीसरा वेक्टर मिलता है तो उसकी डायरेक्शन एक इन्वॉल्व होती है। स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा होता नहीं था, आपके पास एक नंबर आता था, दैट्स इट, आ गया वो। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्ट में जो आपको वेक्टर मिल रहा है ना उसकी एक डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड तो आपको ये बता देगा, जो वेक्टर आएगा तीसरा उसका मैग्नीट्यूड तो आपको बता देगा ए बी साइन थीटा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ये यूनिट वेक्टर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना उसमें इसको भूल जाते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट का ये वाला फॉर्मूला होता है और एक ये होता है जिसमें मैग्नीट्यूड उन्होंने लिया है। तो जब मैग्नीट्यूड ले लिया जाए ना तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, बहुत बेसिक सा वर्क है। अगर आपने मैग्नीट्यूड ले लिया तो अब यूनिट वेक्टर हट जाएगा, वरना पहले यूनिट वेक्टर जो है ये मौजूद होगा। अब सवाल ये कि जो आपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, जो तीसरा वेक्टर आया उसकी खासियत क्या है? तो बच्चों वो परपेंडिकुलर होता है।
अगर मेरे पास क्या कहते हैं, ये मेरे पास ए फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर ए है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर बी है, ये दो इस टाइप के वेक्टर्स हैं, ठीक है, किसी को आप ए कह दो किसी को आप बी कह दो, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा ना, तो रिजल्ट में जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से होगा कि जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो रिजल्ट में जो भी वेक्टर आएगा याद रखना, अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेन का, जो बहुत दफा मैंने आप लोगों को बोला, जब भी दो वेक्टर होते हैं ना वो एक प्लेन बना रहे होते हैं, जैसे दो वेक्टर है ना, इनका प्लेन है, इनको तो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है ना, अगर आप इस तरह भी बना दो ये इनका प्लेन होगा, ये पूरा प्लेन है जिस प्लेन से ये दो वेक्टर पास कर रहे हैं, इनमें तीसरी डायमेंशन नहीं होगी, आप दो डायमेंशन से इनको स्पेसिफाई कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में तो आप एक कंसिडर कर लो एक पेज है, इसको इस तरह समझो कि एक पेज के ऊपर है ये सिंपल, जो तीसरा वेक्टर होगा ना वो इनके परपेंडिकुलर होगा, और वो जाहिर सी बात है इनके प्लेन के ऊपर नहीं होगा, वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो तीसरा वेक्टर होगा खासियत क्या है उसकी, वो इनके परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है डेफिनेटली वो भी इनके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस वाले वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो वेक्टर आ रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक तो वो परपेंडिकुलर होता है पहली बात, दूसरी बात आप ये प्रूव भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में आपको जो वेक्टर मिलता है, मैंने क्या बोला कि वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो ना, तो रिजल्ट में आपको एक तीसरा वेक्टर मिल गया जिसको मैंने सी बोल दिया। अब मेरे कहने के मुताबिक सी और ए आपस में परपेंडिकुलर है, सी और बी आपस में परपेंडिकुलर है, ये आप कैसे प्रूव करोगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। लास्ट क्लास में बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सी और ए, सी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो आप सिंपल ए डॉट सी निकाल लेना यहाँ पे, और इसी तरह सी डॉट बी या बी डॉट सी ए की बातें निकाल लो, जीरो के बराबर आए। तो अगर ये जीरो के बराबर आए तो तब आप समझ जाओगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कि जो आपका तीसरा वेक्टर आ रहा है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये कॉन्सेप्ट है। यहां तक मसला, अच्छा ये जो तीसरा वेक्टर आ रहा है ना, इसके डायरेक्शन भी बताने के लिए एक रूल यूज किया जाता है, राइट हैंड रूल कहते हैं। राइट हैंड रूल काफी है, हर टॉपिक में अलग अलग किस्म के राइट हैंड रूल आप पढ़ते हो। यहाँ पे राइट हैंड रूल क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके दो वेक्टर हैं, एक को आप ए बोल दो, एक को आप बी बोल दो, ठीक है। तो जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो पहला वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है, इस चीज को ध्यान में रखना, ए क्रॉस बी जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, वो आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि पहला वेक्टर यहाँ पे क्या है, A है, तो आपने जो फिंगर है आपने A पे रखी, जो भी डायरेक्शन हो सकती है, जैसे A इस तरह का है या A इस तरह भी हो सकता है, कुछ भी है आपने उसकी डायरेक्शन रखी। दूसरी फिंगर आपने दूसरी वेक्टर के फॉर्म में रखी, तो कंसिडर कर लो ये सिचुएशन बन रही है, ये A की डायरेक्शन में, ये B की डायरेक्शन में, तो जो आपका थंब है ना ये डायरेक्शन बताएगा आपको रिजल्टेंट की, जो कि यहाँ पे अभी बोर्ड के आउट पे बन रहा है, बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर बन रहा होगा। तो ये है ए क्रॉस बी, जिसके रिजल्टेंट में आपको ये वेक्टर मिला है जिसके डायरेक्शन इस तरीके से। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए कर दो, मतलब अब आप पहला वेक्टर बी को बना दो, तो अब क्या होगा, पहले वेक्टर में आपने पहली फिंगर रखनी होती है, तो अब अगर आप पहली फिंगर इधर रख दोगे ना, तो दूसरी फिंगर आप ए के डायरेक्शन में रख नहीं पाओगे, अनलेस अनटिल कि अगर आप हाथ को रिवर्स कर दो इस तरीके से कि ये बी है ये ए है। तो अब देखो जो मेरा थंब है ना वो बोर्ड के इनटू, मतलब इसको कहेंगे इनटू द बोर्ड और पहले आउट ऑफ द बोर्ड, तो अब जो मेरा वेक्टर बन रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, पहले डायरेक्शन इस तरीके से थी अब डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो फर्क यहां पे क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क सिर्फ माइनस का होता है, क्योंकि आपने देख लिया मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, डायरेक्शन में फर्क है, एक आउट ऑफ द बोर्ड है एक इनटू द बोर्ड है। तो ये इसको हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, जैसे डॉट प्रोडक्ट था ना, आप सी डॉट बी लिखो या बी डॉट सी लिखो बात एक ही है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ये आपको प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगी। तो ये प्रूफ भी है बुक में वैसे, लेकिन मैंने आप लोगों को वैसे समझा दिया। कंसीडर कर लो यहाँ पे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये किसके बराबर होगा, एनी आइडिया? जीरो। कोई भी इसका सही जवाब नहीं देगा, मैं शर्त लगा रहा हूँ। एक स्टूडेंट कह रहा है जीरो, चलो एक कह रहा है वन, सही आंसर कोई नहीं बता रहा। सब कह रहे या तो जीरो होगा या वन होगा, अब सही आंसर नहीं होगा, इक्वल होते हैं दूसरे वन होगा ना, इक्वल तो है ऑब्वियसली भाई, जब इक्वल लगाए मैं इसमें तो कोई खास बात नहीं, इक्वल तो है, किसके बराबर होंगे, नहीं नेगेटिव होगा ना,
कि नेगेटिव आई नेगेटिव जे कि आई क्रॉस अगर हो जाए जे की इसका आंसर होगा जीरो। अब स्टूडेंट कहेगा मैं तो बता चुका हूँ जीरो नहीं बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे ये छोटा सा वर्ग है। अगेन ये वो छोटी चीज है जो मुझे पहले आज से दो तीन साल पहले भी नहीं पता होती थी। हम क्या करते थे हम सिंपल जीरो, मैंने आप लोग से ये सवाल ही पूछा, अगर तो मैंने ये पूछा होता आप लोग बोलते सर जीरो, मैंने तो ये सवाल पूछे ही नहीं। मैंने पूछा मुझे आई डॉट आई बताओ, इसी तरह जे डॉट जे के डॉट के, तो उसके आंसर में आपको जीरो वेक्टर मिलता है। जीरो बोलना गलत बात है, जीरो वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर मिलेगा आपको, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में आप अगर बोलोगे जीरो है तो उसका मतलब आप कह रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर मिलता है आपको, डेफिनेशन तो है ही नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपको वेक्टर देता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये वो वेक्टर है जो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा, उसकी वजह यह है कि ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। तो जीरो को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेक्टर से, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है वो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट में आपको वेक्टर मिलेगा वो जीरो वेक्टर मिलेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन आप कुछ भी इसकी ले सकते हो, क्योंकि जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन ली जा सकती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो ये जो पूरी चीज है ना ये बराबर होती है जीरो वेक्टर के, जो कि मुझे बहुत कम जगह नजर आते हैं, लेकिन आपकी बुक में चीज मेंशन की गई है, बाकायदा उन्होंने जीरो वेक्टर लिखा है। नॉर्मली टीचर्स और मैं भी पुराने जमानों में जीरो ही बोला करता था, क्योंकि बहुत छोटा सा फर्क है इसके अंदर। तो आपको हमेशा मिलेगा जीरो वेक्टर। और अगर आप ये तो आपने सिमिलर जो है ना, क्योंकि एंगल 90 सिमिलर के अंदर एंगल जीरो होता है ना, और साइन जीरो जो है वो जीरो के बराबर होगा, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। अच्छा इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए आई डॉट जे ये बराबर होगा के के, जे डॉट के ये बराबर होगा आई के, इसी तरह के डॉट आई सॉरी के क्रॉस आई ये बराबर होगा जी के। ऑर्डर आप देख लो, ऑर्डर क्या होता है आई जे के, अगर इसी ऑर्डर में जाओगे तो लाइफ आपकी सेम रहेगी, आई जे के, इसी तरह जे के आई, मतलब इसी तरह आपने पढ़ना आई जे के। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, आई जे बराबर होगा के के, इसी तरह जे के बराबर होगा आई के, इसी तरह के और आई बराबर होगा जे के, तो इस तरह आपकी लाइफ बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन अगर आप इसको कर दो जे क्रॉस आई, अब देखो आपने माइनस, हाँ तो आई जे इस तरह होना चाहिए था, आपने इसको जे आई कर दिया, तो अब रिजल्ट में के तो आएगा लेकिन उसके साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि वजह यह है कि अब आपके क्रॉस प्रोडक्ट कमोटेटिव नहीं होता, माइनस आ रहा होता है, तो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई बराबर नहीं होगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए के क्रॉस जे, अब पेपर में क्योंकि देखो आपके सामने वैल्यूज गिवन है ना, तो आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। पेपर में आपके पास सिंपल एक सवाल आ जाएगा के क्रॉस जे बताओ, अब आपको कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि के क्रॉस जे नेगेटिव होगा या जे क्रॉस के नेगेटिव होगा, तो आप बस इस ऑर्डर को याद रखेंगे कि आपने इस तरीके से जाना है यूं करके, सही है। तो जे और के देखो एक ऑर्डर में आ रहे हैं, जे के एक ऑर्डर में आ रहे हैं, लेकिन के जे का कोई ऑर्डर नहीं है, के बाद आपको आई पे जाना चाहिए था, अगर आप के बाद जे पे जाओगे इसका मतलब आपने अपना ऑर्डर चेंज कर दिया। इसको लोग सर्कल बना के भी लिखते हैं, ऐसे याद कर लो इतना मसला नहीं है, तो इसके रिजल्ट में अब आपको माइनस आई मिलेगा। इसी तरह के बाद आई आना चाहिए, लेकिन अगर आप आई के बाद के ले आओ तो गलत हो जाएगा, आई के बाद तो जे आना चाहिए, अगर आई के बाद डायरेक्ट के लाओगे तो इसका मतलब आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो माइनस आएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला आपको, और सबके ऊपर कैप भी लगेगा वो आपकी मर्जी है, ये चीज भी हो गई। अच्छा जी, अच्छा अब क्रॉस प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट वाला फॉर्मूला भी होता है, कंपोनेंट फॉर्मूला कि आप एक वेक्टर को लेट कर लो a1i plus a2j plus a3k और दूसरे वेक्टर को लेट कर लो b1i b2j b2k सॉरी b3k, ये आपके पास दो वेक्टर है। तो एक तो तरीका है कि अगर आपको उनका मैग्नीट्यूड एंगल कुछ पता हो तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको लेकिन फिर भी यूनिट वेक्टर चाहिए होगा वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपके पास वेक्टर लिखा हुआ है और उस वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको दिए हैं तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट में एग्जैक्ट वो वेक्टर निकाल लोगे जिसकी एग्जैक्ट आपको डायरेक्शन भी पता होगी ना। अगर मैं आपको ए बी का मैग्नीट्यूड और एंगल दे दूं तो आपके पास मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा लेकिन ये एन कैसे निकालोगे, एन नहीं आ पाएगा, आपको डायरेक्शन समझनी आएगी, आपको मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा डायरेक्शन समझनी आएगी, तो डायरेक्शन के साथ पूरा प्रॉपर वेक्टर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो कि दोनों वेक्टर के साथ आप यहाँ पे कंपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज करो तो रिजल्ट में आपको प्रॉपर वेक्टर मिलेगा। वो फॉर्मूला बुक में लिखा है, आई जे के एक डिटरमिनेंट होगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये आपके पास पूरा फॉर्मूला होगा जो कि यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। अच्छा ये फॉर्मूला आया कहां से, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में भी आपने देखा होगा, वो मैंने एक फॉर्मूला कंपोनेंट वाला बताया था, उसका प्रूफ बुक में लिखा हुआ है। इन दोनों को ना जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो तो वैसे मल्टीप्लाई करो, जैसे ए वन आई को आप मल्टीप्लाई करोगे बस यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो
तो ए वन आई को आप मल्टीप्लाई करो किससे, बी वन आई से। इसी तरीके से वही जो आप अलजेब्रा में करते थे मल्टीप्लाई करते थे, ए वन आई को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, बी टू जे से। तो इसी तरीके से आपने करना है, कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन होगा है तो कोई चीजें कैंसिल होती जाएंगी। जैसे आपको पता है आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो वेक्टर के बराबर होता है, तो ये चीज पूरी खत्म हो जाएगी। इसी तरह आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे वो के बराबर होता है, तो ए वन बी टू और इसके साथ के आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो एंड पे आपके पास बच रहा है ना, ये पेज नंबर 109 फर्स्ट ईयर की बुक है, सेकंड ईयर में भी आपको मिल जाएगा। तो रिजल्ट में जो आपके पास आंसर आएगा ना, उस आंसर को आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। डिटरमिनेंट की फॉर्म में जो आपके पास आंसर आएगा ना, ए टू को बी थ्री से मल्टीप्लाई करो, ए थ्री को बी टू से, ये आई का कंपोनेंट है। इसी तरह के का कंपोनेंट क्या होगा, ए वन, अब देखो यहाँ पे ए वन बी टू और आई क्रॉस जे के था, मतलब ये के का कंपोनेंट है, तो ये आपको डिटरमिनेंट में भी नजर आ रहा है कि ए वन बी टू के होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने पूरा इस तरीके से सॉल्व किया है, एंड पे उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि आपको फॉर्मुला याद रखने की जरूरत नहीं है, ए वन बी टू इस तरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये चीज याद रख लो और आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बुक में एक डेरिवेशन भी लिखी हुई है, बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, बहुत इससे सवाल भी बनते हैं पेपर में, कि अगर आपके पास वेक्टर ए है, आपके पास वेक्टर बी है, तो ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो यहाँ पे पैरेललोग्राम बना रहे हैं ना, उसका एरिया आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम आप बना लो, जो इसका एंगल है उसी एंगल पे यहाँ पे बनाओ, तो ये आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया। तो ये जो पैरेललोग्राम का पूरा एरिया है, ये आप कैसे निकालोगे। तो बुक वालों ने बहुत ही इसकी छोटी सी डेरिवेशन कंसीडर की हुई है, वो डेरिवेशन देखना चाहो तो आपको मिल सकती है, खुद भी आप प्रूफ कर सकते हो। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि ये पूरी जो बेस है, नहीं हाँ ये जो बेस है ना, जो भी आप बेस कंसिडर करना चाह रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल ये बेस है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट से। ये फॉर्मूला होता है सिंपल, किसी भी फोर जो फोर साइड वाली डायग्राम होती है, बेस मल्टीप्लाई कर दो हाइट, तो ये इसकी बेस है जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइट से। अब हाइट किसके बराबर होगी, हाइट होगी कितना टोटल, ये पूरा डिस्टेंस है ये वाला पूरा। तो आप इस वेक्टर से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये पूरी हाइट है। तो ये निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था, ठीक है, तो ये पूरी हाइट किसके बराबर होगी, आप लगा दो यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर आपको निकाल दो, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या, बी के बराबर। तो इस परपेंडिकुलर की क्या हो जाएगी लेंथ, बी को मल्टीप्लाई कर दो, बी साइन थीटा, इसका मतलब यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, बी साइन थीटा। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं है, एरिया की स्केलर क्वांटिटी है, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये पूरी चीज अगर आप देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन ये वाली नहीं, ये वाली, तो दैट्स व्हाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप क्या लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला लगा के आपने इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फॉर्मूला आपके पास आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो आप क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो आपके पास तीसरा वेक्टर आता है ना, जो उस वेक्टर की लेंथ है, उस लेंथ कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना, तो वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होता है एरिया को। फॉर एग्जांपल ए और बी के रिजल्ट में जो भी आपके पास वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, यूनिट बेशक उसका 10 मीटर 10 सेंटीमीटर कुछ ऐसा होगा ना, लेकिन जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड भी 10 ही है। अब इसका यूनिट अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, जो तीसरा वेक्टर आ रहा है और जो एरिया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ये चीज आपको यहाँ पर पता चल रही है। तो ये वो फॉर्मूला जिसके तहत, इस फॉर्मूले के तहत आप क्या करते हो, पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हो। और अगर आपको ट्राइंगल का निकालना है, बेसिक ट्राइंगल का, तो ये फॉर्मूला होता है ना 1/2 बेस हाइट, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये दो फॉर्मूले जो बुक ने मेंशन किए हुए थे वो भी आप लोगों को बता दिए। ये सब कॉमन टॉपिक है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। फिर क्या है, फाइंड द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर। तो मैं बोला ना कि अगर पैरेलल वेक्टर हो, पैरेलल वेक्टर जिनके दरमियान जीरो एंगल बन रहा है या जिनके दरमियान पाई एंगल बन रहा है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और हाँ ये कंडीशन लिखी हुई है कि अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा जीरो होगा। अच्छा, फिर ये कम्यूटेटिव वाली चीज प्रूफ की भी है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देखना चाहो तो देख लो, एमसीक्यूज में शायद पूछ लें, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव किस तरह होगा, ए क्रॉस बी और इसके अंदर एड कर दो ए क्रॉस सी। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ओवर एडिशन, तो ये वाली चीज भी उन्होंने प्रूफ की हुई है, देखना चाहो देख लेना। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एंगल निकालना। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी एंगल निकाल सकते हो, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, आपको एंगल निकालना है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी
डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहां से आप एंगल निकाल सकते हो। लेकिन ये वो सवाल था जो मैंने आज टीचर से ग्रुप में पोस्ट किया था, और मेजोरिटी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि उनको नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल था जो फंसा हुआ था, लेकिन इसका बड़ा आसान आंसर है जो मैं दूंगा। आप लोग कहोगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, लेकिन जिसके जहन में फंसा हुआ ना, जिसको बताने वाला ना, उसके लिए मुश्किल होता है। एक फॉर्मूला ये एंगल निकालने वाला, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, शायद कोई पकड़ ले इस बात को। और एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, मैं कंडीशन आप लोगों के सेम ही रखता हूँ। कंडीशन क्या है कि मैं आपको वेक्टर ए दे देता हूं, मैं आपको वेक्टर बी दे देता हूं, दैट्स इट। आप ये फॉर्मूला लगा के एंगल निकाल के दिखाओ। भाई इस फॉर्मूले से अगर आपने एंगल निकालना है तब भी आपको ए और बी पता होना चाहिए। ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले के लिए भी आपको ए बी पता होना चाहिए। मैं आपको ए और बी दे रहा हूं। सवाल ये कि इन दोनों फॉर्मूले से जब मैं एंगल निकालूंगा तो सबसे पहली बात कि क्या वो एंगल सेम ही आएंगे? गिवन जो भी वेक्टर है उन पे आपको सेम ही थीटा मिल रहा होगा क्या? ये सवाल है। क्या जवाब है इसका? नो सर, चेंज होगा आंसर। भाई ये नहीं जवाब होता, अगर चेंज होगा तो वजह होती है। रटा नहीं मानना ना हमें, कॉन्सेप्ट समझना है। बताओ ट्रिग्नोमेट्री चाहिए जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री काफी डिटेल में बताई है। फर्स्ट ईयर वालों से भी, सेकंड ईयर वालों से भी एक दिन मैंने सवाल पूछा था ये बैच वन वालों से, जब आप कॉस इनवर्स निकालोगे ना तो कॉस इनवर्स के रिजल्ट में जो भी आपको एंगल मिलता है वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान होता है। लेकिन साइन इनवर्स के रिजल्ट में जो आपको एंगल मिलता है वो -90 से लेकर 90 के दरमियान होता है। सबसे पहली बात, वेक्टर्स के दरमियान आप नेगेटिव एंगल लेते नहीं, पहले ये बेसिक चीज समझ लो, फिर इसका जवाब देना। कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इस तरीके से, एक वेक्टर इस तरीके से, तो आप ये वाला एंगल लेते हो। अच्छा, इनके दरमियान दूसरा एंगल भी बन रहा होता है, अगर आप ये वाला भी ले लो, लेकिन आप ही लेते हैं, आप जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना आप उसको कंसिडर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, तो आप कौन सा वाला एंगल लोगे? ये वाला। और यहाँ पे एंटी क्लॉक, क्लॉक की भी कोई खास बात नहीं, ये बुक वालों ने मेंशन किया था एक जगह एंटी क्लॉक में, उसका कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा। वो एंगल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज कर दो तो एक एंटी बनेगा, उसके बाद वो क्लॉक बन जाएगा, जो भी है उसको जहन से निकाल दो। यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज का चक्कर है। यहाँ पे सिंपल आपको एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है। यार एंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? एंगल क्या होता है? ये दो लाइंस है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये डेफिनेशन है कि भाई जितनी मैं रोटेशन दे रहा हूँ ये एंगल है। ये तो बाद में हमने बनाया हुआ है कि यार क्लॉक वाइज दो, एंटी क्लॉक वाइज दो, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। वैसे जो मेक सेंस कर रही है बात, वो क्या है कि एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो ये वाली सिचुएशन हो तो आप ये वाला एंगल लोगे। कंसीडर कर लो दूसरा वेक्टर अगर आपका यहाँ पे चला जाए तो आपका ये वाला पूरा एंगल होगा। कंसिडर कर लो ये दूसरा वेक्टर आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो अब आपका एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अभी तक आपने देखा आपका एंगल 0 से लेकर 180 डिग्री तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे वेक्टर को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना दूंगा तो अब ये वाला एंगल लोग अगेन आप बड़ा वाला एंगल ही लेते हैं, आप स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, अब स्मॉलेस्ट एंगल ये हो जाएगा। और मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा, अगेन वही बात, हम यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर यूज ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हमें एंगल का मैग्नीट्यूड बताओ भाई, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री, हमें ये बताओ। तो जैसे ही 180 से नीचे आएगा तो ये एंगल हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका एंगल 0 और 180 डिग्री के दरमियान ही रहेगा, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। और ये बात मेक सेंस कर रही है, नेगेटिव की हम यहाँ पे सेंस बनाना चाह नहीं रहे। तो होगा ये कि जो कॉस इनवर्स है ना वो 0 से लेके 180 तक आपको आंसर देता है। तो कॉस इनवर्स बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पे फिट बैठते हैं कि आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालने के लिए वाला फॉर्मूला यूज करो। साइन थीटा का मसला क्या? साइन थीटा का मसला ये होता है कि ये चीज आपको कभी नेगेटिव नहीं होगी। जरा गौर से समझना कि ये चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये नेगेटिव कैसे हो सकती है? ऊपर भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट, नीचे भी मैग्नीट्यूड, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये चीज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। और जब आप किसी पॉजिटिव वैल्यू का साइन इनवर्स लोगे तो हमेशा आपको आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, 0 से लेकर 90 के दरमियान को आंसर मिलेगा, जो कि गलत बात है। क्यों? साइन करेगा क्या? मैं थोड़ा सा जरा ना ट्रिग्नोमेट्री आपको समझा दो, साइन क्या करेगा। कंसीडर कर लो ये वाली सिचुएशन, एज्यूम कर लो कि एंगल आपको दिखने में 120 डिग्री लग रहा है। जब आप ये एंगल निकालोगे ना इसके फॉर्मूले से, मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा जो फर्स्ट ईयर वाले बुक में उन्होंने करवाई थी और आंसर उसका गलत है, मैं बकायदा आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। कंसीडर कर लो एंगल 120 डिग्री बन रहा है, ये कॉस वाला फॉर्मूला आपको देगा क्योंकि कॉस के आंसर में आपको 0 से लेकर 180 मिलता है। साइन इनवर्स कैलकुलेटर में कुछ भी पुट करते रहो कभी 120 मिलता ही नहीं है। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, आप साइन इनवर्स के अंदर वैल्यूज पुट करते जाओ,
दो दिन लगा दो, दस दिन लगा दो, आपको कभी भी 120 मिल ही नहीं सकता, कैलकुलेटर कभी भी नहीं देगा आपको, शौक हो तो करके देख लेना। तो होगा ये कि 120 तो आपको मिलेगा नहीं, कैलकुलेटर पता है आपको क्या एंगल देगा इस कंडीशन पे, अगर आप ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे तो कैलकुलेटर आपको ये एंगल देगा 60, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि अगर एक एंगल आपको 60 डिग्री मिल रहा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 120, क्योंकि साइन 60 और साइन 120 एक ही होती है। लेकिन हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री या ये काम उस वक्त आपके लिए यूज होता था जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, आपका मकसद होता था एंगल मालूम करना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है आपकी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2, इस इक्वेशन को 60 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को 120 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आप कहते थे दोनों आंसर आपके अपने। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंगल निकालना है, तो 120 एक्सेप्टेबल है, 60 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे सेंस भी बनेगी ना, वेक्टरी चेंज कर दिया आपने। इसका मतलब ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे तभी आपको एंगल ठीक नहीं मिलेगा अगर एंगल आपका 90 से ग्रेटर है। हाँ, अगर आपके ये वाले सिचुएशन है, इस वाले सिचुएशन में तो दोनों फॉर्मुले आपको सेम ही आंसर देंगे, जब तक एंगल आपका 90 से कम है दोनों फॉर्मुले आपको सेम ही एंगल देंगे। लेकिन अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 से ग्रेटर हुआ तो ये आपको आंसर गलत देगा, ये उस एंगल को कन्वर्ट कर देगा 90 से कम वाले में, जो कि बाकी जगहों पे तो मेक सेंस कर रहा है लेकिन यहां पे मेक सेंस नहीं कर रहा, इसका मतलब आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो कंक्लूजन ये है कि हमेशा आपने एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए यूज नहीं करना कभी, ये कंक्लूजन मैंने आपको बोला दिया। तो ये वो कंफ्यूजन थी जो मैंने आज टीचर ग्रुप में भी की थी, तो खैर छोड़ो उस टॉपिक को। खैर मतलब ये है कि आपने इसको इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ इसमें कोई सवाल है किसी का? सर इसका कोई रिलेटेड सवाल है कि मतलब हमें इस सवाल में इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें सवाल किया जाएगा कि ये एंगल मतलब कि 0 से लेकर 90 तक एंगल मिलेगा आपको, हमें वेक्टर दिए हुए होंगे पहले से, इस चीज का तुम क्या एग्जांपल पूछना चाह रहे हो या कंडीशन पूछना चाह रहे हो? इसका एग्जांपल 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 तो मैं दे दूंगा, कंडीशन एक ये है कि देखो डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आंसर भी आ सकता है आपके पास, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो ये पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगी ना, तो ये फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, ये फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जब आप कॉस इनवर्स निकालोगे, अगर ये चीज पॉजिटिव है तो आपको एंगल मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और अगर ये नेगेटिव है तो आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये फॉर्मूला तो इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, जो कि आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी ना कि एंगल 0 से लेकर 180 होता है, सेम कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी थी कि जो थीटा आपको नजर आ रहा है 0 से लेकर 180 होगा, वेक्टर तो सेम ही है ना, लेकिन ये फॉर्मूला इस चीज को उतर नहीं रहा। उसकी वजह क्या है कि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन ये कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर भी मैग्नीट्यूड नीचे भी मैग्नीट्यूड। तो अगर सबसे पहले मैं कंडीशन बता रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल भी बताता हूं कि अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट निकालो और वो नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाना कि डॉट प्रोडक्ट वहां पे काम आएगा, ये वाली चीज वहां पे काम नहीं आएगी। और अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो उस वाली सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आपको सेम आंसर देंगे। लेकिन अगेन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, हमेशा एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करो। अब रही बात एग्जाम्पल इसकी प्रैक्टिकल, तो आप एग्जाम्पल बना सकते हो अपनी तरफ से, एक तो एग्जाम्पल बुक वालों ने भी लिखी हुई है, तो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे उनके लिए मैं इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि बुक में एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 113 पे। आप मैं सेकेंड ईयर वालों के पास तो बुक नहीं होगी ना, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ये ए है 3i-j और बी है i+7j-7k। ये एग्जाम्पल मैंने टीचर ग्रुप में पूछी थी, मैंने उनको बोला था कि इसका आंसर बुक ने लिखा हुआ 82 डिग्री, तो उसका दूसरा आंसर ये 82 ठीक नहीं है। अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना 82 आंसर आ रहा होगा, जबकि 82 यहाँ पे ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार साइन के अंदर आप क्या करते हो, एक एंगल जब आता है दूसरे को कैसे निकालते हो, 180 में से माइनस कर दो, 82 को 180 से माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 98 आ जाएगा। तो कहते दोनों आंसर ठीक है, मैंने कहा नहीं दोनों आंसर ठीक नहीं है, ये वाला आंसर गलत है, ये ठीक ही नहीं माना जाएगा। आप ये ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे दो एंगल निकालोगे, इसमें से एक ही एंगल ठीक होगा, दो एंगल ठीक नहीं होंगे यहाँ पे। तो इस वाले एग्जाम्पल पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, देखना 82 आ रहा होगा, और इस वाले एग्जाम्पल पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, देखना अप्रोक्सीमेटली 98 आ रहा होगा, करेक्ट ये है। क्यों? क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना दो वेक्टर का नेगेटिव आ रहा होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, लेकिन वो वाला फॉर्मूला आपको देगा नहीं क्योंकि वो हर चीज को तो पॉजिटिव कर देता है, क्या देगा वो फिर आपको, ये है। तो जरा इस पर ध्यान दीजिए सर। तो ये ऐसा है कि अगर हमें कोई सवाल मिला, जैसे अभी आपने बताया 82 है, आपने उसको 180 से अपना क्या कहते हैं माइनस किया प्रूव करने के लिए कि किस फॉर्मूला बेहतर सूट करता है इस सवाल को, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मिला 113, उसको 180 से डिवाइड करूंगा तो ऐसा कुछ ही ऑड नंबर नहीं मिलेगा मुझे कोई
तो उसके हिसाब से मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, चाहे वो अगर 90 से कम होगा डिग्री तो फिर तो मैं साइन का लगाऊंगा, साइन थीटा का लगाऊंगा। और अगर 90 से भाई सब मसला ये है कि अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना तो तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे कि ये एंगल ठीक है या गलत है। क्यों? ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा एक फैंटेसी में रखेगा कि तुम्हें हमेशा एंगल 90 से कम कम देगा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा यहाँ पे 82 ठीक है। अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा 82 ठीक है यहाँ पे या नहीं है? मुझे डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा या मुझे इनको ग्राफ में ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। मैंने इनको ग्राफ में भी ड्रॉ करके देखा है, अगर किसी को शौक हो तो बता देना, एंड की क्लास में मैं आपको दिखा भी दूंगा, वेक्टर्स को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने तो क्या किया, मैंने सिंपल ड्रॉ करके देखा इसको, तो मुझे 82 दिखने में नहीं लग रहा था वो एंगल। तो एक तो मेरे पास तरीका चेक करने का कि मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखूं, दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा ठीक एंगल देगा। तो डॉट प्रोडक्ट ने मुझे 98 दिया। तो कहने का मतलब अब तुम अगर इस फॉर्मूले को यूज करोगे ना, तुम नहीं बता सकते कि ठीक है या गलत है, तुम्हें एक एक्सटर्नल सोर्स यूज करनी पड़ेगी। वो एक्सटर्नल सोर्स डॉट प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल सोर्स तुम्हारा कंप्यूटर भी हो सकता है। तो फिर फायदा क्या इस चीज का, ये क्यों यूज कर रहे हो आप, इससे बेहतर आप ये यूज करो। आपको हर सवाल में नहीं पता चलेगा कि आपने ये यूज करना है, ये यूज करना है। टीचर ने मुझे यही जवाब दिया था कि जो आपको थीटा मिल रहा है ना, उन्होंने कहा था बुक में लिखो ये वाला एंगल और दूसरा एंगल कैसे निकालोगे 180 से माइनस करके। तो मैंने कहा और क्यों लिख रहे हो, मतलब दो एंगल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एक ही एंगल है, दो एंगल का कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे। तो आपने एक चूज करना है, अब आपको क्या पता चलेगा कौन सा ठीक है। तो बेहतर क्या है, इसको आपने एंगल के लिए यूज ही नहीं करना, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दैट्स इट। मैं काफी एक्सप्लेनेशन दे दी यार, किसी और का सवाल है तो पूछ लो, अगर मास तुम्हें मसला हो रहा है बात पूछ लेना। किसी और कोई सवाल है? नहीं नहीं सर मैं क्लियर हूं। तो ये क्लियर है, अच्छी बात है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब सवाल है कि डॉट ये वाला फॉर्मूला आप इसका कोई फायदा है या यूजलेस फॉर्मूला है? इसका बहुत फायदा है, अब इसका फायदा समझते हैं। दो सवाल आते हैं यूनिट वेक्टर निकालने के, जरा और से समझना, खासतौर पर सेकंडरी वालों के, तो ये पेपर में बड़े मशहूर सवाल है, फर्स्ट ईयर वालों के भी होंगे क्योंकि पहली दफा है, इंशाल्लाह ये भी होंगे। पहला सवाल क्या होता है, जरा वर्डिंग पे गौर करना। आपको बोला जाता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। आपको एक वेक्टर दे देंगे और बोलेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। अब मुझे बताओ इसका प्रोसीजर क्या होगा। सर जो आपने फॉर्मूला लिखा है सबसे पहले वही यूज करेंगे। हाँ, एक्सीलेंट भाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है सी, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन में, जरा गौर से समझना, इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर इसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। अब दूसरा सवाल क्या आता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स। अब आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा इन दो वेक्टर की जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। पहले आप निकालते थे गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, गिवन वेक्टर की अगर डायरेक्शन ये है तो इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी ये होगी, इसकी डायरेक्शन में आपको निकालना था। तो फॉर्मूला क्या था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आपको दो वेक्टर दे दिया जाए ये वाला और आपको बोला जाए कि जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और किस तरीके से यूज करोगे भाई, सिंपल, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है सबसे पहले वो निकाल लो, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना सबसे पहले वो निकाल लो। जैसे ही आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा फिर उस वेक्टर पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, तो आपके पास उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि इनके परपेंडिकुलर होगा। दोबारा ये आपकी बात बताता हूं कि आपको इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन दो के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालोगे, जब वो वेक्टर आ जाएगा ना उसकी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकालोगे और वो यूनिट वेक्टर इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इनके परपेंडिकुलर ही आपने वेक्टर निकाला था जिसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर निकाला। तो अल्टीमेटली वो यूनिट वेक्टर इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो सिंपल आप ये वाला यूज करोगे अगर आपको बोला जाए कि गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर निकाला है। और आपको ये सवाल दिया जाए कि आपको सवाल में दो वेक्टर दे दें ए और बी और आपको बोला जाए इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो, तो प्रोसीजर क्या होगा, आप सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको रिजल्ट देगा वो तीसरा वेक्टर देगा, तो आप क्या करो उस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, फॉर्मूला ये बनेगा इसका सिंपल, कि ये ए क्रॉस बी जो है ना ये तीसरा वेक्टर है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये तीसरा वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो रिजल्ट में जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो उसकी डायरेक्शन में होगा जो कि इनके परपेंडिकुलर होगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो या कोई इस तरह भी बच्चे आसानी करते हैं,
कि जो ए क्रॉस बी निकालते हैं उसको वो सी का नाम दे देते हैं और फिर इस सी वेक्टर को डिवाइड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। नाम देने की जरूरत है, अगर आप नाम दे के करो तो इस तरह फॉर्मूला बनेगा, नाम दिए बगैर करो तो सिंपल ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले वाली सिचुएशन में आपको एक ही वेक्टर देंगे उस पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, और दूसरी सिचुएशन में आपको दो वेक्टर देंगे तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले का जो मेन मकसद है ना वो उसको इसी तरह इस्तेमाल करना कि जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना होना परपेंडिकुलर तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। आप ए क्रॉस बी निकालोगे इस फॉर्मूले से, नहीं ए क्रॉस बी आप इस तरह निकाल लेना, जैसे आपके पास ए क्रॉस बी आएगा उसको डिवाइड करोगे उसके मैग्नीट्यूड से। ये फायदा है क्रॉस प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट का फायदा बता दिया एंगल आपने निकाला। कोई सवाल यहां तक? सर आखिरी सवाल कर लूं? हाँ पूछ लो। सर ये अपना मैग्नेट, मैं फिजिक्स तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं स्टैट्स पढ़ता हूँ, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हमें वैल्यू डबल करनी होगी? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ उसकी। निकालने का तरीका क्या होता है, अगर वेक्टर है ना, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप एक अदर स्क्वायर रूट लिखो, स्क्वायर रूट के अंदर इसके जो कंपोनेंट्स है ना उनका स्क्वायर करो। जैसे आई के साथ वन लिखा हुआ है ना तो वन का स्क्वायर, जे के साथ सेवन लिखा हुआ है सेवन का स्क्वायर, के के साथ माइनस सेवन लिखा हुआ है तो माइनस सेवन का स्क्वायर। इन सब स्क्वायर को आपस में ऐड करो और इनका स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब भी हो जाएगा। इसी बात को ना याद रख लो, मैंने जब टीचर्स ग्रुप में किया था ना तो एक टीचर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो चीज काफी काम आएगी, कि साइन थीटा को ना कभी भी यूज ना करो एंगल निकालने के लिए। ये बात मैंने क्यों बोली है, फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक होता है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब वहां पे आप नहीं जब ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे होते हो ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जब आप ट्राइंगल को सॉल्व करते हो तो वहां पे मैंने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बताया है, सेकंड ईयर वाले बच्चे शायद भूल चुके हैं अभी तक ये, कि जब आपको दो साइड दी जाए और एक एंगल दिया जाए वो एंगल उनका इंक्लूडेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ट्राइंगल में आपको ये वाली साइड दे दी जाए, आपको ये वाली साइड दे दी जाए और आपको इनका इंक्लूडेड एंगल ना दे, आपको फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल देते हैं ये वाला एंगल देते हैं, तो जब आप इसको साइन लॉ से सॉल्व करोगे ना तो उसको मैंने बोला था एम्बिगुअस केस। साइन लॉ को जब आप यूज करोगे एंगल निकालने के लिए तो वो उस वक्त भी मसला करता था, तभी मैंने कहा था कोसाइन लॉ यूज करो, क्योंकि साइन के अंदर मसले हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल देते हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ता है फर्स्ट वाला लेना है या सेकंड वाला लेना है, कॉस के मसले नहीं होते, दैट्स व्हाई आसानी होती है। तो इसलिए साइन को हमेशा अवॉइड ही करो एंगल निकालने के लिए, कॉस अगर यूज कर सकते हो बेस्ट केस है, कहीं पे जाके आप साइन लॉ भी यूज कर सकते हो, ऐसा मसला नहीं है उसमें। जैसे अगर ये वाली सिचुएशन होती तो इसमें कहीं ना कहीं आप साइन लॉ यूज कर सकते हो ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए, हमेशा ये नहीं मैं कह रहा कि साइन को यूज ही नहीं करना, अवॉइड करना, वरना मसला हो सकता है। आपको स्ट्रॉन्ग मैथ की नॉलेज चाहिए होगी फिर ताकि इन सिचुएशन में काम आए, तो बेहतर है कॉस ही यूज कर लो। अच्छा अब क्या रह गया क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, फाइंड द वेक्टर मोमेंट। हाँ मोमेंट पे आ जाओ, टॉर्क जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी को पता टॉर्क का, जल्दी से बताओ टॉर्क क्या होती है, टॉर्क एफ एस साइन थीटा उसका फॉर्मूला होता है। टॉर्क क्या होती है सर, कोई एक्सेलरेशन से रिलेट करता है, फिजिक्स में मैंने बहुत पहले पढ़ा था। हाँ तुम्हें भी नहीं पता सर, रोटेशनल फोर्स होती है ना, रोटेशनल फोर्स होती है, बच्चों वाली चीज है बिल्कुल, लेकिन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला याद है किसी को, R into F. Effect of force. हाँ, ये वेक्टर की फॉर्म है, ये टॉर्क का फॉर्म है, जिसको यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क बोल दो मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दो। टॉर्क टॉर्क सिंपल नाम से बता रहा है टर्निंग इफेक्ट, जब आप कोई टर्निंग, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जैसे मोबाइल है ना, एक और भी एग्जांपल थी, ये बेसिकली होती है कि उसको क्या बोलते हैं हम यार, सेंट्रॉइड बोलते हैं, हर बॉडी का ना सेंट्रॉइड होता है, जितना सेंट्रॉइड अगर आपका नीचे है ना उतना टॉर्क कम प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस मोबाइल को फॉर एग्जाम्पल अगर ये खड़ा होता है, मैं इस तरह खड़ा कर देता हूँ, अब इसका सेंट्रॉइड कहीं दरमियान में होगा, यहाँ पे मतलब मेरे हाथ से काफी ऊंचा है, अगर मैं हल्की सी भी फोर्स लगाऊंगा ना इसको ये टर्न कर जाएगा, लेकिन अगर मोबाइल को मैं इस तरह रखती हूँ, अब जो इसका सेंट्रॉइड है बहुत ही बिल्कुल सेंटर में होगा ना, यहाँ पे बड़ा करीब है, तो अब मैं अगर उसको फोर्स लगाऊंगा ना तो ये टर्निंग नहीं हो पाएगी, इसके अंदर ये ड्रैग हो जाएगा लेकिन टर्न नहीं होगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके जो बड़े बड़े जैसे बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा अगर आप एनिमेशन नहीं यूट्यूब पे वीडियो देखना, तो 15-20 मिनट की वीडियो है, उसमें उन्होंने मसले बताए हैं कि क्या क्या मसले थे जब आपने बुर्ज खलीफा बनाया था, इतने मसले थे कि हर थोड़ी देर बाद इंजीनियर्स बैठते थे अब इस मसले का क्या हल निकालने। उसी में से एक मसला था कि आपकी जो बिल्डिंग है ना, आई गेस उसको इंजीनियरिंग में बकलिंग कहते हैं,
एग्जैक्ट मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, बकलिंग होती है शायद वो, कि अगर आपके पास बिल्डिंग है ना, जितनी वो जमीन से ऊपर होती है ना, तो उसका सेंट्रॉइड जमीन से और ऊपर हो जाएगा, जैसे सेंट्रॉइड ऊपर है उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाता है हवा। आपको पता है जब एक बड़ी बिल्डिंग है उस पर जब हवा लगती है तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है बड़ी बिल्डिंग में, कि वो टर्न हो सकते हैं उनके अंदर, ऊपर अगर आप जाओगे तो हल्की सी डिफ्लेक्शन आ जाती है, तो ये सबसे बड़ा मसला होता है जब आप ऊंची बिल्डिंग बनाओ, तो उसका भी उन्होंने हल निकाला है। तो काफी मसले हुए थे बुर्ज खलीफा बनाते हैं, अभी तो एक और बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, पता नहीं क्या नाम है, वो तो बुर्ज से भी ऊपर बन रही है। तो खैर होता ये कि जितना आपका सेंट्रॉइड ऊपर है ना बॉडी का, तो उसमें टर्न बहुत आसानी से हो जाता है, तो जो टर्न है ना इसको आप कहते हो टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है। इसी मामले पे आ जाते हैं, बहुत आसानी एग्जाम्पल है जिंदगी में हमेशा आप देखते रहते हो, दरवाजा है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है आपका, ये हिंज से सपोर्ट हुआ है पूरा, ठीक है, आप इसे फोर्स लगाते हो ये दरवाजा रोटेट होता है, कितने दरवाजे दोनों तरफ भी होते हैं, तो ज्यादातर दोनों तरफ ही होते हैं दरवाजे, तो खैर आप इस तरफ फोर्स लगाओगे पीछे हो जाएगा, इस तरफ फोर्स लगाओगे इस तरीके से हो जाएगा, तो ये टर्निंग प्रोड्यूस हो रही है। अब सवाल ये कि जो टर्निंग प्रोड्यूस हो रही है इसको निकालना आपने किस तरीके से, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो चीजें जो आपको बतानी चाहिए, एक होता है आर एक होती है एफ, फोर्स के बारे में आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल आर यहाँ पे क्या होता है, जो जहां से आपने दरवाजे को या जो भी चीज है सपोर्ट दिया हुआ है वहां से लेके जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा आर है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये पूरा आर है, इसकी डायरेक्शन भी बताई हुई आपको, ये पूरा आर है, और इस तरीके से जरूरी है कि परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं, अगर मैं परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो मैक्सिमम टर्न प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैं हल्के से एंगल भी फोर्स लगा सकता हूं इस तरह, या मैं इस तरह लगा लूं या मैं इस तरह लगा लूं, लेकिन बेस्ट होता है कि अगर आप परपेंडिकुलर लगाओ, सबसे अच्छा टॉर्क उस पर प्रोड्यूस होता है। तो ये आपकी फोर्स है, ये आपका आर है, इसके लिए भी आप एक रूल यूज करते हैं जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। वो रूल क्या कहता है कि जो आपका आर है ना, आपने अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन आर की डायरेक्शन में रखनी है, उसके बाद अपनी फिंगर को आपने फोर्स की तरफ रोटेट करना है। ये जो फोर्स है ये नीचे बनी है, इसको ऊपर भी बना सकते हो ना इस तरीके से। तो ये अगर मेरी फिंगर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर लेते हैं फिंगर्स हैं, और ये फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन, तो ये फिंगर और ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो जो मेरा मूवमेंट होगा ना, जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। रियल सिचुएशन में अगर आप देखो तो डोर का टॉर्क कहां पे होता है, मतलब ये आपका आर है ना पूरा, और इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये आपने अपनी फिंगर्स रखी और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, तो ये आपकी फिंगर्स ये फोर्स, तो थंब आपको बताएगा कि आपकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। तो जो आपका दरवाजा होता है ना, इसमें जो आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होती है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर होता है ना, डायरेक्शन उसकी इस तरीके से होती है, ठीक है, और डिपेंड करता है फोर्स कैसे लगा रहे हो। अगर आप सामने फोर्स की डायरेक्शन ये है तो डायरेक्शन उसकी अपवर्ड होगी, अगर आप फोर्स यहां से लगा रहे हो तो अब फोर्स, मतलब अगर आप इधर से लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन ये है ना, तो ये आपने, ये आपका आर और ये आपने फोर्स की तरफ फिंगर की, तो ये थंब आपका ऊपर है। लेकिन अगर फोर्स आपकी बाहर की तरफ है, तो अब अगर आप आर इस तरह करोगे, आप टेढ़ी करनी है आपने, तो बेहतर आप हाथ को इस तरह कर दोगे, इस तरह कर, अभी आपका आर है, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है, इसका मतलब थंब अब आपका नीचे होगा। तो कहने का मतलब ये आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं कि जो आपका मोमेंट है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं या टॉर्क कहते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, उसकी डायरेक्शन से कोई फायदा होता नहीं है, वैसे कोई इंपैक्ट नहीं है, उसकी डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे हो ये मैटर नहीं करता। असल चीज मैटर क्या करती है, जो एक्सिस है ना पूरा, उसके अबाउट भी रोटेशन होती है। जैसे अगर ये दरवाजा है, ये इसका एक्सिस है, चाहे इसकी डायरेक्शन ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो रोटेशन हो रही है उसके अबाउट हो रही है, जो मैंने बनाया हुआ ना पूरा, ये इसके अबाउट ही आप रोटेशन कर रहे हो, ये असल कॉन्सेप्ट है। तो निकालते इसको कैसे, सिंपल डेरिवेशन भी है अगर आपको चौक को देखना, ये फॉर्मुला है आर क्रॉस एफ, और ऑर्डर याद रखना, इसको नॉर्मली बच्चे एफ डॉट आर इस तरह भी कर देते हैं, नेगेटिव आ जाएगा आंसर, गलत हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। इसके आंसर में मतलब जो नेगेटिव इन द सेंस कि जो वेक्टर आएगा वो दूसरा वेक्टर आएगा, अभी वेक्टर कुछ और आ रहा होगा, ये जो वेक्टर आएगा ये उसके रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर आएगा, तो इसका मतलब फर्क पड़ रहा होता है। तो एग्जैक्ट मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है। अब इसका सवाल बड़ा इजी होगा, आपको एक आर सवाल इस तरह भी आ सकता है कि आपको जिसके अबाउट, मतलब जो सपोर्ट आपने की हुई है, इसको फॉर एग्जाम्पल ओ मान लो, या तो बड़ा इजी है कि आपको आर दे दें, आपको एफ दे दें, आपने मोमेंट निकालना है, एक तो इस तरीके से सवाल दे सकते हैं आपको, या सवाल थोड़ा मुश्किल कर दें, कैसे, वो आपको बता दें कि ये वाला पॉइंट क्या है जिससे आपकी चीज सपोर्ट हुई भी है, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाई है आपको ये वो वाला पॉइंट दे दें। अब आपको आर नहीं पता, आप आर निकालोगे कैसे, आर निकालोगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आप आर निकालोगे, जैसे आर आ जाएगा फोर्स के साथ आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास मोमेंट आ जाएगा। तो ये दो डिफरेंट तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट आर एफ दे देंगे या आपको ये दो पॉइंट दे देंगे, तो आपने फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना है। लेकिन जहन में रखना फाइनल पॉइंट किसको लेना है, वर्डिंग क्या होती है कि आपने फोर्स लगाई इस पॉइंट के ऊपर और वो चीज मूव हुई अबाउट दिस पॉइंट, तो जिस पॉइंट को बोले ना कि अबाउट दिस पॉइंट, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है, और जिस पॉइंट पे फोर्स लगाई वो ये वाला पॉइंट,
तो जो अबाउट वाली वर्डिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस पॉइंट के अबाउट आपने करना है ना वो ये वाला होता है और जिस पॉइंट पे फोर्स लगाई वो ये वाला होता है। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल आपके पास आर आ जाएगा और फिर वहां से आप मोमेंट निकाल सकते हैं। अब जो टॉपिक है वो तीसरा प्रोडक्ट है। अभी तक आपने स्केलर प्रोडक्ट देखा है, वेक्टर प्रोडक्ट देखा है, अब आप देखोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है लेकिन वो आपकी बुक में नहीं है, हम अभी पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है, नाम आपको बता रहा है कि तीन वेक्टर चाहिए आपको, उनका ये प्रोडक्ट है और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा स्केलर। तो ये अपने नाम से बता रहा है कि इसके अंदर होगा क्या। अब आपने तीन वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट में आपको स्केलर मिले। अब आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कहेंगे सर आप एक काम करें पहले ए डॉट बी निकालें, इसका डॉट आप सी से निकाल लें, तो ये पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती। तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है लेकिन एक खास तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। इसमें बताओ मसला क्या है, ये चीज गलत क्यों है, ये एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछे कि सही है गलत, तो ये गलत है क्यों? ए डॉट बी का नंबर आ जाएगा फिर वो सी वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। ये भाई ए डॉट बी जो है तो स्केलर है, एक नंबर आएगा, एक नंबर का डॉट आप वेक्टर से कैसे ले सकते हो? डॉट प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स के दरमियान होते हैं ना, तो ये तो वेक्टर नहीं आएगा, तो नंबर आ रहा होगा, इसका मतलब ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। मसला बता फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में ब्रैकेट ए भी लगा दो मैटर नहीं करता यहाँ पे, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में ये आ सकता है, अब हम ये कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी दो को सॉल्व कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं ए को पहले बी के साथ सॉल्व करता हूँ और मैं क्रॉस लेता हूँ इसका, तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। उस वेक्टर का जब मैं सी से क्रॉस दूंगा तो तब भी रिजल्ट में वेक्टर आएगा, तो स्केलर तो मेरे पास आ ही नहीं सकेगा, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं इनको मिक्स कर दूं इस तरीके से तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर आप इसको इस ऑर्डर में सॉल्व करोगे तो अगेन फंस जाओगे, ए डॉट बी नंबर होता है, किसी नंबर का क्रॉस कैसे ले सकते हो सी से, तो उसका मतलब ये चीज ठीक नहीं है। तो ऑर्डर यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, ये वाला कि आप पहले B क्रॉस C निकालोगे, B क्रॉस C के रिजल्ट में आपको मिलेगा वेक्टर, उस वेक्टर का जब आप डॉट निकालोगे A से तो रिजल्ट में आपको मिलेगा स्केलर। तो ये फॉर्मूला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसको ध्यान में रख लो। अब इसके इस तरह भी आप लिख सकते हो, इसको उन्होंने एक डिटरमिनेंट में प्रूफ किया है कि इसके डिटरमिनेंट फॉर्म ये तरीके से, जैसे वही B क्रॉस C को लिखो उसका डॉट निकालो A से, तो जो फॉर्मूला आ रहा होगा ना उस फॉर्मूले को उन्होंने डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखा है इस तरीके से। क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रिजल्ट में आपको कोई नंबर मिलेगा तो आप तीनों वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस डिटरमिनेंट में पुट करना, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, जो नंबर आपको मिलेगा ना वो बराबर होगा कि अगर आप ये वाला काम करो, क्या कि आप पहले मैनुअली बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ये मैनुअल आप काम कर रहे हो, इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे, आप बी और क्रॉस सी निकाल रहे हो पहले, जो वेक्टर आएगा उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो ए से, तो जो आपको नंबर मिलेगा ना वो सेम नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो अगर आप इसको मैनुअली सॉल्व करो B क्रॉस C और डॉट निकाल के, या आप डायरेक्ट A B C को इस फॉर्मूले में पुट करो और डिटरमिनेंट निकाल लो, दोनों तरीके से आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, तो फर्क नहीं है, इस तरह यूज करो, ये देखो एक ही बात है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं डिटरमिनेंट, ज्यादा इजी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता अगर आप इसको किस भी ऑर्डर में लिखो, मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप B को बाहर निकालना चाह रहे हो, अब आप इस तरह नहीं लिखते ना, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा नेगेटिव क्यों होगा। पहले राइट सही वाला ऑर्डर देख लो कि आप अगर यहाँ पे ए बाहर था तो बी और सी को आपने अंदर रखा, अगर आप बी को बाहर निकालना चाह रहे हो ना, ये देखो मैंने बी को बाहर निकाला, जैसे मैं बी को बाहर निकालूंगा ना सी को मैं बी की पोजीशन पे ले जाऊंगा, जैसे मैंने बी को बाहर निकाला मैं सी को बी की पोजीशन पे ले आऊंगा और ए को मैं सी की पोजीशन पे लेके जाऊंगा, ये करेक्ट तरीका, अभी आपको समझ आ जाएगी कि इसको मैं करेक्ट क्यों बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप सी को बाहर लेकर आना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सी को बाहर लेकर आना चाह रहा हूँ, तो अब मैं बी को ले जाऊंगा सी की पोजीशन में और ए को मैं बी की पोजीशन पे ले जाऊंगा, मतलब आपने सबकी पोजीशन चेंज करनी होती है, जिसको आप बाहर ला रहे हो वो तो बाहर आ गया, उसकी पोजीशन पे अंदर वाला आ जाएगा और जो बाहर वाला था वो इसी पोजीशन पे चला जाएगा, ये करेक्ट तरीका है। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, सेम ही आंसर मिलेगा। तीन वेक्टर है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ, सबके रिजल्ट में आपको सेम ही नंबर मिलेगा, और अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिजल्ट में नेगेटिव मिल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कमोटेटिव नहीं है। हाँ आप इस वाले फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कमोटेटिव है, आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो, एक ही बात है, लेकिन अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे, सी क्रॉस बी करोगे या ए क्रॉस सी कर दोगे, तब आपको नेगेटिव मिल जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना।
कि ये तीनों चीजें बराबर है, अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो नेगेटिव आ जाती है। और ये बात आप डिटरमिनेंट से भी देख सकते हो। बिलफर्ड अगर मैं कहता हूं ये काम करना है मुझे ए क्रॉस सी, तो देखना आप डिटरमिनेंट में मसला क्या होगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले बी को लिखो, बी वन बी टू बी थ्री, फिर होगा ए वन ए टू ए थ्री, फिर है सी वन सी टू सी थ्री। क्या ये वाला और ये वाला डिटरमिनेंट बराबर है? नहीं। क्यों बराबर नहीं है, फर्क है इसमें। हुआ क्या है कि यहाँ पे आपने दो रॉस पर एक रो चेंज है ना बस। हाँ, ये रो इंटरचेंज हो गई है। आपने पढ़ा था डिटरमिनेंट में जब दो रॉस इंटरचेंज होती है माइनस आता है, तो इसका मतलब ये वाला फर्क है इसमें, माइनस का फर्क है, तो तभी ये चीज के बराबर नहीं। और अगर आप ये चीज देखो, ये चीज इसके बराबर होगी कैसे, अगर आप बी डॉट सी क्रॉस ए निकालो तो सबसे पहले बी पुट किया, फिर आप सी पुट करो सी वन सी टू सी थ्री, फिर आप पुट करो ए ए वन ए टू ए थ्री। ये चीज और ये चीज बराबर है कैसे, आपने दो दो बार चेंज किया ना इसे। हाँ, आपने सबसे पहले क्या किया, यहां पे इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो बी वाला टॉप पे आ गया, ए वाला मिड पे आ गया, फिर जो मिड पे ए था और लास्ट में सी था, आपने इसको इंटरचेंज किया, तो ए बिल्कुल एंड पे चला गया, सी मिड पे आ गया। दो दफा इंटरचेंज करो तो पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब तीनों चीजें बराबर है आप ऑब्जर्व करो, लेकिन अगर आप ऑर्डर हल्का फुल्का चेंज करोगे तो नेगेटिव का फर्क। कोई सवाल यहां तक? सर अगर हम दो क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लें तब भी तो स्केलर क्वांटिटी आ सकती है ना, तो चार वेक्टर चाहिए ना उसके लिए। ओ सही सही, ठीक है। अच्छा, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, इसका भी एक मतलब है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट था ना, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या था, कि रिजल्ट में आपको तीसरा वेक्टर मिल रहा है जो इसके परपेंडिकुलर है। लाइक आपको पता होना चाहिए ना कि तीसरा वेक्टर जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि वो बाकी दो पे परपेंडिकुलर है। इसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट का आपने देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसी तरह क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल कोई आपको फायदा देता है? बिल्कुल देता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरा, इसके आगे क्या होगा, पैरा ही लो पाइप, ग्राम नहीं कहना क्योंकि वो 2D शेप है, पैरेललोग्राम 2 डायमेंशन होती है, पैरेललो पाइपेट 3 डायमेंशन शेप होती है। ये बुक में बनी भी है, ये सेकेंडरी में आपको कहां पे मिलेगी, वेदर डायग्राम को लूंगे मैं बनाऊंगा, टाइम जाया होगा, डायग्राम से आप देख सकते हो तरीके से, शायद मुझे बनानी पड़ जाए कुछ समझाने के लिए। ये आपको मिलेगी पेज नंबर 355 पे मिलेगी सेकेंडरी वाले, और जो फर्स्ट ईयर पे वो तो पेज नंबर 118 पे आपको मिलेगी। तो ये पैरेलल पाइपेट जो है ना, मैं हल्का फुल्का ट्राई करूं या ना करूं, बन सकती है या नहीं बन सकती, बन सकती तो है यार वैसे, तो थोड़ा सा आप लोगों को। अच्छा, क्यूब नहीं है, क्यूब की जो साइड्स है वो स्ट्रेट होती है बिल्कुल, जैसे नॉर्मल। अब क्यूब कहा से, एक दिन बात थी, वो कहता कि सर आपने चीजें दिखाया करें, तो मेरे पास बजट नहीं है सर, मैं कहां से मैं चीजें लाऊं। क्यूब जो आपने देखा ना, सिंपल एक स्क्वायर बॉक्स होता है, उसकी साइड स्ट्रेट होती है बिल्कुल, मतलब परपेंडिकुलर होती है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं, थ्री डायमेंशनल शेप है लेकिन टेढ़ी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, दैट्स व्हाई इसको आप क्यूब नहीं बोल रहे, पैरेलल पाइपेट बोल रहे। इसी तरह एक शेप होती है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है 3D रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का 3D वर्जन, लेकिन ये जो है ये पैरेलल पाइपेट है, पैरेललोग्राम का 3D वर्जन। अच्छा, तो अच्छा बाय द वे, किसी को पता है कि यार ये डैश लाइन क्यों बनाते हैं हम, ये जो तीन लाइन डैश क्यों बनाई गई है यहाँ पे, कोई आइडिया है किसी को? ये एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि मेरा बहुत वीक था, लेकिन क्लासेस तो मैंने ली थी, तो मुझे एक चीज याद है उसकी, वो ये थी कि जब आप कोई डायग्राम बनाते हो, उसका सूत्र ये होता है कि आप जब थ्री डायमेंशन को डायग्राम बना रहे हो, तो जो चीजें आपको नहीं नजर आ रही ना, तो वो आपने दिखानी भी नहीं है। जैसे अगर आपके सामने एक बॉक्स हो, तो आपको बॉक्स की ये वाली साइड नजर नहीं आएगी, अगर आप सामने से देखोगे, ये वाली साइड तो पीछे छुपी हुई होगी ना, तो ये नजर नहीं आएगी, ये वाली साइड भी आपको नजर नहीं आएगी, ये वाली साइड भी आपको नजर नहीं आएगी। तो अगर सामने से आप बॉक्स को देखोगे, तीनों साइड आपको नजर नहीं आएंगी, तो जो चीज आपको नजर नहीं आ रही होती ना, आप उसको डैश करके बनाते हो, 3D डायग्राम के, और ये बाकी साइड जो है ये सब आपको, ये जो नजर आ रही है सब आपको सामने से नजर आ रही होगी, तो ये डायग्राम का थोड़ा रूल होता है। अच्छा खैर, हाँ इसके वॉल्यूम पे आ जाओ, तो वॉल्यूम कैसे आप निकालोगे, सिंपल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
जो बेस एरिया है ना, ये जो बेस पूरा एरिया है, बेस में आपको एक पैरोग्राम नजर आ रहा है, इस बेस एरिया को आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना इसकी हाइट से। भाई अगर आपको कोई ये वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का सिंपल जो फोर साइडेड फिगर होती है, क्यूब स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेलोग्राम हो गया, जब आपको थ्री डायमेंशन में बनाते हो तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, जो बेस एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट कितनी है, क्योंकि टू डायमेंशन में हाइट इन्वॉल्व नहीं होती थी, तभी टू डायमेंशन में आप वॉल्यूम नहीं निकालते थे, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट थ्री डायमेंशन में होगा। तो ये बेसिकली पैरेलोग्राम हुआ करता था टू डायमेंशन में, जो इसका एरिया निकाला है ना आपने उसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी हाइट से। हाइट आप बुक ने बहुत अच्छी बनाई हुई है, मैं बनाऊंगा तो अजीब लगेगा, ये इस टाइप की हाइट आपको नजर आएगी यहाँ पे, इसकी डेरिवेशन पूरी बुक वालों ने की हुई है। हाँ, ये उन्होंने तकरीबन यहाँ पे इसको ड्रॉप किया है, इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये बिल्कुल बेस है जहां पे उन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इस उन्होंने दो वेक्टर कंसीडर किए, एक ये वाला वेक्टर है इसको ए बोल दिया, एक ये वाला वेक्टर है जिसको उन्होंने बी बोल दिया, और ए और बी का तीसरा वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे सी, वो सी इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे नहीं। तो तीन वेक्टर है, नहीं एक सेकंड, मैंने ये वाला नहीं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत दिया मैंने, तीसरा इसका ये नहीं है, इसको उन्होंने नाम दिया है ए का, अच्छा ये है बी, तीसरा वाला ये है, ये है, तभी उन्होंने इसको डैश लाइन भी बनाई, सॉलिड बनाई है। ये तीन आपको साइड दी हुई है, देखो जब टू डायमेंशन थी ना आपको दो साइड पता होनी चाहिए थी, पैरेललोग्राम बना लिया करते थे, वेक्टर्स है ना, जैसे ये वाला जो है इसका फ्री वेक्टर बनाओ तो ये वाली साइड आ जाएगी, इस वाले का फ्री वेक्टर बनाओ तो ये वाली साइड आ जाएगी, इसका फ्री वेक्टर बनाओ तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो टू डायमेंशन में आपके पास दो साइड होती थी, आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, थ्री डायमेंशन में आपके पास तीन साइड होंगी, आप पैरेललोग्राम सॉरी पैरेललोपिपेड कंप्लीट कर लोगे। तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो, ये पूरी उन्होंने डायग्राम बनाई दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये पूरी जो हाइट है ये मालूम की है, भाई बेस एरिया तो सिंपल ही है ना, ये बेस एरिया पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आप कैसे निकालते हो, ए क्रॉस बी आप करते हो, आपके पास एरिया आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे हाइट से, हाइट उन्होंने पूरी प्रूफ की है, क्या हाइट आ रही है यहाँ पे, अच्छा बेस एरिया में देखो दो वेक्टर है, एक बी है और एक सी है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे बी क्रॉस सी, क्योंकि ये ए आपका बेस पे एक बी है एक सी है, तो बेस का एरिया क्या होगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, और हाइट उन्होंने पूरी निकाल के दी हुई है, देख लेना बुक में क्या आ रही है हाइट, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, तो ये पूरी हाइट है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेस के एरिया से, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब सवाल है कि ये चीज किसके बराबर है, ये चीज बिल्कुल इसके बराबर है, कैसे, ये जो B क्रॉस C आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, B क्रॉस C का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहला वाला वेक्टर लिखो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरे वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था, ए बी कॉस थीटा, तो पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखते थे ना आप यहाँ पे, और फिर आप कॉस थीटा लिखते थे, तो आप देखो एग्जैक्ट ये चीज आ रही है, इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम है ना पैरेललोपिपेड का वो बराबर है इसके, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोई सवाल यहां तक, तो वॉल्यूम कभी आपको देख लिया, अच्छा वॉल्यूम कभी नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन आपको उसको पॉजिटिव करना है, उसकी वजह बुक ने लिखी भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें जो आपका देखो जब आप बी क्रॉस सी निकालोगे ना तो रिजल्ट में आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, जैसे बी है ये सी है, तो इसके रिजल्ट में आपको यहाँ पे एक वेक्टर मिल रहा होगा बी क्रॉस सी का, तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट को, तो अब वो मैटर करता है उस B क्रॉस C और A, जरा इसको ध्यान में रखो, अगर B क्रॉस C इस तरीके से और A भी इस तरीके से तो इसका मतलब अब आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, लेकिन अगर B क्रॉस C की डायरेक्शन नीचे होगी, कंसीडर करो B क्रॉस C यहाँ पे और A यहाँ पे है, तो अब आपको यहाँ पे नेगेटिव आंसर मिलेगा, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर हो गया होगा, 90 से ग्रेटर पे आपको डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव मिलता है, ये पहले भी आपने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब एंगल 90 से ग्रेटर है, कॉस में जब 90 से ग्रेटर पुट करते हो तो आपको नेगेटिव एंगल मिलता है, तो अगर आपका बी क्रॉस सी ऊपर है और ए इस तरीके से है तो इनके दरमियान एंगल 90 से कम ही होगा, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पॉजिटिव मिल रहा होगा, लेकिन अगर बी क्रॉस सी की डायरेक्शन नीचे होगी और ए इस तरीके से, अब इनके दरमियान एंगल बड़ा हो गया 90 से, इसका मतलब अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा, जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वहां पे क्या करोगे उस नेगेटिव को इग्नोर कर दोगे, जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव का मतलब मैंने बता दिया क्यों आ रहा होगा कि ए और बी क्रॉस सी वहां पे 90 से बड़ा एंगल बना रहे होंगे, दैट्स व्हाई वहां पे नेगेटिव आ रहा होगा, आप उसको इग्नोर कर देना, जो वैल्यू है उसको कंसीडर कर लेना, ये रीजन। सही है,
और इसी के साथ उन्होंने एक और शेप का फॉर्मुला भी प्रूफ किया है, वो मैं आपको शेप बता देता हूँ, फॉर्मुला देख लेना आपको समझ आ जाएगा। वो शेप है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है भाई, आपको बता होगा, किसी और को पता टेट्राहेड्रॉन? नहीं बता, क्या होता है था बताओ सर। आई थिंक एट शेप होता है, आई थिंक, बट मैं भूल गया हूँ, इतना याद नहीं है। एट शेप नहीं होगी उसकी, एक दो तीन चार होती है शायद। भाई सिंपल सी बात है, जो ट्राइंगल है ना उसका 3D वर्क है। ये बुक उन्होंने बनाया है किस तरीके से, इसी चीज को उन्होंने बनाया है सर। जैसे पिरामिड है वो टेट्राहेड्रॉन है ना, मतलब हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपका वेक्टर बी यहाँ पे बनाया था उन्होंने, एक यहाँ पे था और जो सी वेक्टर था वो तकरीबन यहाँ पे है, और फिर आपको पूरा पैरोग्राम कंप्लीट हो रहा है ना। तो अगर आप इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, अब ये इमेजिन करने वाली बात है, जो इमेजिन कर रहा है वो समझ जाएगा टेट्राहेड्रॉन क्या है। टेट्राहेड्रॉन बेसिकली ट्राइंगल होता है 3D वर्जन में, ये समझ लो आप। पिरामिड देखे ना आपने, ये पिरामिड ही तो होता है, ट्राइंगुलर पिरामिड, क्योंकि पिरामिड की और भी शेप होती है आई गेस। तो एक पिरामिड वो भी होता है जिसकी बेस में खाल में स्क्वायर होती है, ये वो पिरामिड है जो ट्राइंगल है, मतलब इसकी बेस भी ट्राइंगल है, साइड वाली जो फेसेस है वो भी ट्राइंगल होंगे यहाँ पे, मतलब सामने भी आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, एक इस तरफ आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा और एक पीछे की तरफ आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, एक इसकी बेस में आपको ट्राइंगल मिल रहा है, तो इसको आप ट्राइंगुलर पिरामिड भी बोल सकते हो, टेट्राहेड्रॉन। इसका उन्होंने वॉल्यूम निकाला है, तो उसकी डेरिवेशन भी उन्होंने की भी है। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होता है, मैं खाल में फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फॉर्मूला है, हाँ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, 1/6 ये वाला फॉर्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, इसको आपने सिंपल क्या करना है, 1/6 से या 6 से आपने डिवाइड करना है, सिंपल लैंग्वेज में ये पूरी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट को। अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कॉन्सेप्ट है कोप्लैनर वेक्टर्स का। कोप्लैनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपने लाइंस में देखा था ना, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते थे, सेम लाइन के ऊपर, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स, के ऐसे पॉइंट जो सेम ही लाइन के ऊपर हो। इसी तरह कोप्लैनर का मतलब क्या होता है, जैसे कोप्लैनर लाइंस होती हैं, कोप्लैनर का मतलब सेम प्लेन के ऊपर हो। जैसे प्लेन इज लाइक एक पेज, एक पेज के ऊपर मेरा हाथ है, ये प्लेन है, इसके ऊपर जिस तरह वेक्टर, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इस तरह है, एक वेक्टर इस तरह है, इसका मतलब एक ही प्लेन के ऊपर है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं ना, तो अब ये नीचे वाले प्लेन पे नहीं है, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, किसी भी डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर, तो एक प्लेन है जो इनसे पास कर रहा होगा, ये एक ही प्लेन के अंदर होंगे। बेशक इसको इस तरह कर दो, अभी भी एक प्लेन पास कर रहा होगा। जब तीन वेक्टर होते हैं ना, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके प्लेन डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के ऊपर है, तो आप उनको बोलते हो कोप्लेनर वेक्टर। तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन के ऊपर, ये समझ लो कि जो अभी बी और सी एक प्लेन के ऊपर है, जो बेस पे है, ए जो है वो इस प्लेन के ऊपर नहीं था, तो अगर मैं ए को उठा के नीचे लेता हूं, मतलब ए को उठा के अगर मैं यहां पे ड्रॉप कर दूं, ये कंसीडर कर लो ए यहां पे आ गया, तो बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, सब ये जो प्लेन है ना, एक ही प्लेन के ऊपर आ गए। तो जब भी आपके वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर होता है। क्यों? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को। एज्यूम करो कि अगर मैं ए को नीचे ले आऊं, इस ए को धक्का देकर मैं नीचे ले आऊं, तो आपका बॉक्स पूरा चिपक पिचक जाएगा पूरा। तो ए को नीचे लाओगे, बॉक्स पूरा दब जाएगा, तो बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा। तो और कोई चीज फ्लैट है तो वॉल्यूम तो जीरो ही होगा ना उसका। तो अगर वेक्टर्स आपके कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम आपका वहां पे पैरेललोपिपेड का जीरो हो जाएगा। अच्छा, आखिरी बात जो मैंने बतानी है बस 2 मिनट की, वो ये है कि आपने हर चीज का मतलब देख लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने मकसद देखा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मकसद क्या होता है, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, देख लिया। इसी तरह आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लिया, ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब चीजों का आपने मतलब देख लिया। बस एक चीज है डॉट प्रोडक्ट, उसका आपने मतलब नहीं समझा कि डॉट प्रोडक्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो आपको वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू आपको क्या बता रही है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी को भी आइडिया तो बता दो। देखो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, अभी हम समझ लेते हैं। सिंपल एक ए और बी बना के देख लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी ना, वो वैल्यू बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी था, ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। तो वैल्यू बेसिकली आपको प्रोडक्ट इस तरह भी समझते हैं, और एक इसका थोड़ा नेक्स्ट वर्जन होगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये बेसिक बात तो बतानी चाहिए आपको। जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो मैग्नीट्यूड मतलब मल्टीप्लाई, दो चीजों के मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है, दो चीजों के प्रोडक्ट को। क्या? कि जो बी को अगर आप प्रोजेक्ट करोगे ए के अलोंग,
ये जो बी है ना पूरा, इसके जब आप प्रोजेक्शन करोगे एक अलॉन्ग, तो ये वन होगी। तो इस पूरी प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, ये प्रोजेक्शन किसके बराबर होगी, बी कॉस थीटा के बराबर होगी। तो इस पूरी प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करो ए का मैग्नीट्यूड, तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलता है। तो आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर पड़ रही है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करो ए के मैग्नीट्यूड से, तो जो वैल्यू मिलती है वो आपको डॉट प्रोडक्ट देता है। वर्डिंग में आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट। इसको एक और तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ये कि अगर आप दो यूनिट वेक्टर लो, आपके पास दो यूनिट वेक्टर है, कंसीडर कर लो एक यूनिट वेक्टर है ए प्राइम, दूसरा कंसीडर कर लो बी प्राइम, दोनों का मैग्नीट्यूड वन ही होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन ही होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी वन, इसका मैग्नीट्यूड भी वन। तो जब आप दो यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो फिर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए और बी का मैग्नीट्यूड वन होगा सिंपल, तो ये बराबर होगा कॉस थीटा के। तो ये जो कॉस थीटा मिल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो आपकी चीज है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी कि जब आप इस यूनिट वेक्टर को प्रोजेक्ट करवाओगे अलॉन्ग ए यूनिट वेक्टर, मतलब ए यूनिट वेक्टर को आप प्रोजेक्ट करवाओगे दूसरे यूनिट वेक्टर के, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो जब इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे इसका मैग्नीट्यूड भी वन इसका मैग्नीट्यूड भी वन, तो रिजल्ट में आपको कॉस थीटा मिलेगा। तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो वेक्टर बी है ना यूनिट वेक्टर, इसकी जो प्रोजेक्शन अलोंग ए वेक्टर वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, क्या आपको डॉट प्रोडक्ट देगा कि दूसरा वेक्टर पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, जैसे ये वाला बी वेक्टर है ना, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी ए के अलोंग, जैसे अगर आप इस तरह जाते हो तो कुछ ना कुछ एक्स के अलोंग होती है, कुछ ना कुछ वाई के अलोंग होती है। तो यहाँ पे जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना तो ये आपको बताएगा कि बी जो है वो ए के डायरेक्शन में कितना है, जो भी इसका आंसर होगा ये पूरी चीज बराबर होगी कॉस थीटा के जो आपको आंसर मिलेगा, तो जो वैल्यू होगी ना वो आपको बताएगी कि जो बी वेक्टर है वो ए के डायरेक्शन में कितना है, लाइक टू यूनिट है, थ्री यूनिट है, फाइव यूनिट है, वो आपको पता चल जाएगा, ये चीज रिप्रेजेंट करती है। तो वो एंगल पे डिपेंड करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप किधर ले जाओ उसको तो आप एंगल 90 डिग्री है, तो याद रखो हमेशा डॉट प्रोडक्ट 90 पे जीरो होता है। उसकी वजह क्या है कि जब दो वेक्टर आपके 90 होते हैं इसका मतलब वो एक दूसरे की डायरेक्शन में है ही, तो ए की डायरेक्शन अलग बी की डायरेक्शन अलग, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको वैल्यू देगा कि यार एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है। अगर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा एंगल पे आप बनाओ तो अब अगर आप देखो तो ये बहुत छोटा सा है, मतलब एज कम्पेयर टू ए ये बहुत छोटा सा है, तो आपको आंसर यहाँ पे 0.3 या 0.2 मिल रहा होगा कि बी वेक्टर जो है वो ए की डायरेक्शन में 0.2 0.3 यूनिट जितना है। जितना एंगल कम होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ चला गया तो अब आपको देखो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा कि जो बी है वो ए की डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तभी जब आपका एंगल जीरो होता है तो डॉट प्रोडक्ट आपको 1 मिलता है। 1 का मतलब कि यार दोनों वेक्टर एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में, ये कांसेप्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल लैंग्वेज में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, अगर 90 डिग्री होंगे इसका मतलब वो एक दूसरे की डायरेक्शन नहीं है, तो आपको आंसर जीरो मिल जाएगा। और अगर वो पीछे चला जाएगा फॉर एग्जांपल, तो अब आपको नेगेटिव वैल्यूज बनेगी कि वो आपको बताएगा कि यार ये एक डायरेक्शन में तो नहीं है लेकिन एक ही नेगेटिव डायरेक्शन में, तभी आपको वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। तो ये मतलब था, मुझे मिला था, मैंने कहा अच्छी चीज है मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। दो मतलब है, एक तो डॉट प्रोडक्ट का ही मतलब बताया था कि जब कोई दो रैंडम वेक्टर है और जब दो यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कहने का मतलब वेक्टर मैंने पूरा डिटेल में कंप्लीट करवा दिया, एक एक कॉन्सेप्ट हर चीज क्लियर है। इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे।